हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अप्रैल 2024 के मंथली करंट अफेयर वाइज करेंगे। डेली तो करते ही हैं, लेकिन जो लोग डेली नहीं देख पाते उनके लिए कंपाइलेशन हम लोग करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं सारे क्वेश्चंस, ताकि रिवीजन में भी आसानी हो। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है डेज और थीम्स का। यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। पहली चीज़, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे 2 अप्रैल को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। थीम 2024 के लिए रखी गई है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑटिज्म से अफेक्टेड लोगों की हेल्प करने के लिए इस दिन को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ऑन विच डेट इज़ द यूनाइटेड नेशंस माइंड अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका पर्पस है टू रेज अवेयरनेस अबाउट लैंड माइंस एंड मेक प्रोग्रेस टूवर्ड्स देयर एलिमिनेशन। व्हेन इज नेशनल मैरिटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में 61st एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। 5 अप्रैल को ही क्यों इस दिन को मनाते हैं? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 पहला इंडियन वेसल, जिसका नाम था SS लॉयल्टी, ओन्ड बाय सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, ये मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। ठीक है, अब ये जो अप्रैल का पहला हफ्ता रहा है, इसे नेशनल मैरिटाइम वीक के रूप में भी ऑर्गेनाइज किया गया 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। और इस थीम, इस वीक की थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को स्टेब्लिश किया गया था 1948 में। थीम इस बार की है इसकी माई हेल्थ माई राइट। व्हेन इज CRPF वेलर डे ऑब्जर्व्ड? इस दिन को 9 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इस साल 59th इसका एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, 9 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द वर्क ऑफ जर्मन फिजिशियन एंड केमिस्ट डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के द्वारा थीम इस बार की रखी गई है होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। होम्योपैथी से रिलेटेड अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 12 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 12 अप्रैल डेट इसलिए चूज़ की गई क्योंकि 12 अप्रैल 1961 यूरी गागरिन ये बने थे पहले ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। इसके अलावा ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं, 4 अक्टूबर 1957 को फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सेटेलाइट, जिसका नाम है स्पूतनिक 1, रशिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था आउटर स्पेस में। ठीक है, 12 अप्रैल को होता है इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। वर्ल्ड चागास डिजीज डे ऑब्जर्व्ड ऑन 14th अप्रैल, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। थीम इस बार की रखी गई है टैकलिंग चागास डिजीज, डिटेक्ट अर्ली एंड केयर फॉर लाइफ। चागास डिजीज़ का पहला केस रिपोर्ट किया गया था 1990 में। इस डिजीज़ को अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं, या फिर साइलेंट डिजीज़ भी कहते हैं, या फिर साइलेंस्ड डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक पैरासाइट के कारण होती है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा क्रिज़ू। दिस पैरासाइट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द ट्राइटोमाइन बग। और इसी से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन इज़ वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को 15 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली बार 2012 में ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ल्ड आर्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड टू कमामरेट द बर्थडे ऑफ रिनोन्ड आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंची। ये वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा फेमस पेंटिंग मोनालिसा बनाई गई है। थीम 2024 के लिए रखी गई है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2024? हीमोफीलिया डे की थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 17 अप्रैल को इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन मनाते हैं 18 अप्रैल को। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। थीम इस बार की है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इस दिन को 1982 में डिक्लेयर किया गया था मनाने के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड लिवर डे? वर्ल्ड लिवर डे को 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है कीपिंग योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अगर डेटा की बात करें तो अराउंड 20 लाख पीपल ये हर साल लिवर डिजीज के कारण इनकी डेथ होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू शूट अप टू 35% इंक्रीज बाय 2030, और इसीलिए इस दिन का बहुत महत्व है। वट डे इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? वर्ल्ड अर्थ डे हर बार 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है प्लानट वर्सेज प्लास्टिक्स। पर्पस है इस दिन को मनाने का टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रेपिडली राइजिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड अदर सर्कमस्टांसेज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू डैमेजिंग। When is National Civil Services Day celebrated? इसे 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 2006 में 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 में इंडिया के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के पहले बैच को एड्रेस किया था इसी दिन। Where was India's biggest climate clock installed to celebrate Earth Day on 23rd April 2020? अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल को होता है, और 23 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल की गई। कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसको अनवील किया गया है CSIR के हेडक्वार्टर में नई दिल्ली में। CSIR इसको फाउंड किया गया था 1942 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कुछ इसकी अचीवमेंट्स देखी जाएँ तो क्रिएशन ऑफ India's first computer, Param series of supercomputers and discovery of novel drugs and medicinal plants. On which date is National Panchayati Raj Day celebrated every year? National Panchayati Raj Day हर साल 24 अप्रैल को celebrate किया जाता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा या फिर constitutional status भारत में 73rd constitutional amendment के जरिए दिया गया था। ये amendment कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 में ये अमेंडमेंट जो हुआ था, ये जो एक्ट बना था, इसको लागू किया गया था। तो इसीलिए 24 अप्रैल की डेट पंचायती राज के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए हम इस दिन को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाते हैं। ये संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले भारत में पहली पंचायत का गठन कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली पंचायत भारत में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले में एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पंचायती सिस्टम भारत में किस तरीके का है, तो 3-tier पंचायती सिस्टम है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, या फिर ज़िला परिषद भी कहते हैं इसको। और ये 3-tier पंचायत सिस्टम कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये लागू किया गया है? तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि 3-tier पंचायती सिस्टम भारत में करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि सभी स्टेट्स में 3-tier पंचायती सिस्टम नहीं है, कुछ स्टेट में 2-tier भी है। और ये 2-tier कैसे स्टेट्स में है? ऐसे जगहों पर जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, ठीक है, 20 लाख से कम है, वहाँ पर ये जो सेंट्रल वाला है, मिडिल वाला पंचायत समिति, इसको स्किप कर दिया गया है, ठीक है। तो एक ये कंडीशन है, इसको याद रख सकते हैं। साथ में एक चीज़ और याद रख सकते हैं, फैक्ट है ये कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था 73rd अमेंडमेंट, इसके ज़रिए सबसे पहला राज्य कौन था जिसने पंचायत सिस्टम अपने आप पर शुरू किया? इस स्टेट का नाम याद रखिएगा, MP है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? मलेरिया डे को 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और इसका कैरियर होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। भारत का लक्ष्य है मलेरिया को एलिमिनेट करना 2030 तक का। वट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024? पहली चीज़, ये दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 अप्रैल को, ठीक है। और इसकी थीम क्या है 2024 की? IP and SDGs, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वीपो के द्वारा इसको, इस दिन को मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। वीपो ऑफिशियली, ये जो है ना, वीपो संस्था जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के अंदर, ये 1974 में बनी थी। लेकिन इससे पहले वीपो के रूट्स अगर हम देखें तो 1883 में पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये एक ट्रीटी साइन की गई थी, एक कन्वेंशन साइन किया गया था, वहाँ से हम वीपो के रूट्स देखते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया। वीपो का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। What is the theme of World Immunization Week 2024? Last week of April में ये इस वीक को सेलिब्रेट किया गया, World Immunization Week को, और इसकी थीम रखी गई थी Humanly Possible Immunization for All। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है।
इस वीक को सेलिब्रेट करने का एम है टू हाईलाइट द कलेक्टिव एक्शन नीडेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज. और इस साल ये जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया गया, इसमें एसेंशियल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI के 50 साल सेलिब्रेट किए गए हैं. EPI WHO का प्रोग्राम है जिसका एम है टू मेक वैक्सीन अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन. इसे इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. पहली बार इस दिन को मनाने का आइडिया 1982 में रखा गया था बाय द इंटरनेशनल डांस कमेटी ऑफ द यूनेस्को इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट. एंड दिस डे इज डेडिकेटेड टू द आर्ट फॉर्म ऑफ डांस एंड इट इज़ यूज्ड टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर जो कि है नेशनल करंट अफेयर 2024 में. अप्रैल में जो हमने क्वेश्चन देखे हैं इस टॉपिक के, उनको कवर करते हैं. पहला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व. भारत को अपना प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना है. एक ऐसा रिजर्व बनाना है जिसमें पेट्रोलियम के मामले में ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है या फिर प्राइस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, अगर कुछ भी ग्लोबली घटना घटित होती है तो, या अरब कंट्रीज़ कुछ ऐसा कर देती हैं कि प्राइस एकदम हाई कर दिए या कुछ कर दिया. इस तरह की प्रॉब्लम्स के टाइम पर क्या होता है कि पेट्रोलियम खरीदना या तो बहुत महंगा पड़ जाता है या खरीद ही नहीं पाते हैं, मिलता ही नहीं है. और किसी भी देश की इकोनॉमी पूरी तरह से पेट्रोलियम पर ही डिपेंड है अभी तक. तो पेट्रोलियम रिजर्व होने इकोनॉमी चलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए इंडिया का एम है कि हम अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएंगे 2029-30 तक. प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप के साथ इसको बनाया जाएगा. एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर, भारत जो है वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर और कंज्यूमर है. और इसलिए हम देखें तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी होना भारत के पास बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ग्लोबल सप्लाई डिस्रप्शन या फिर प्राइस फ्लक्चुएशन के टाइम पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द न्यू वर्जन ऑफ गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन. इसे NTPC लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है. पहले ही लॉन्च किया गया था 2018 में, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया था. अभी इसका नया एडिशन इसका जारी किया गया है. दिस प्रोग्राम इज़ इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव. एम है इसका टू एंड जेंडर इनइक्वालिटी बाय फोस्टरिंग गर्ल्स पोटेंशियल. नेशन वाइड इसको लागू किया जा चुका है. वेयर वॉज द प्री साइक्लोन एक्सरसाइज फॉर द सीजन अप्रैल जून 2024 कंडक्टेड बाय द इंडियन मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ये प्री साइक्लोन एक्सरसाइज को विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया इंडियन मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा. एक्सरसाइज वॉज पार्ट ऑफ अ बाइनियल एक्सरसाइज कंडक्टेड ड्यूरिंग प्री साइक्लोन सीजन एंड पोस्ट साइक्लोन सीजन, ताकि किसी भी तरह का डिजास्टर अगर आता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो प्रिपरेशन है वो देखी जा सके किस तरह की है. इंडियन मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं मृत्युंजय मोहपात्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड दिगंतारास ग्लोबल हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु. इसको इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है. दिगंतारा स्पेस सेक्टर का स्टार्टअप है, इसको लॉन्च किया गया और यहाँ से फर्स्ट एवर स्पेस सर्विलांस सेटेलाइट को लॉन्च किया गया बेंगलुरु से. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन which was in the news recently is functioning under which ministry. ये नाम से समझ में आ रहा होगा, historical records के बारे में है तो ministry of culture के अंदर ये function करता है. और अभी इसकी बात किस लिए हो रही है, क्योंकि इसका एक नया logo और नया motto इसके द्वारा adopt किया गया है. motto इसका है यत्र इतिहासम भविष्यम प्रसक्षणता. apex advisory body है archival matters में और इसे 1919 में establish किया गया था. नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर पर. तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर्स वैक्स स्टैचू वॉज अनवील्ड एट मैडम तुसाद इन दुबई इन 2024. अल्लू अर्जुन का वैक्स स्टैचू दुबई में अनवील किया गया है. पुष्पा मूवी में से इनका पोज लिया गया है और उसी पोज का ये स्टैचू बनाया गया है. अल्लू अर्जुन की जर्नी का रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देता है. और अब नेक्स्ट जो मूवी है पुष्पा का, जो सीक्वल है, वो भी आने वाला है पुष्पा द रूल करके. Who has been appointed as Congo's first female prime minister? Congo की first female prime minister बनी है Judith Suminwa Tuluka. Congo की capital है Kinshasa. ये याद रखिएगा, कई बार इस तरह पूछ लेते हैं, match करने के लिए दे देते हैं country और उनकी capital को. Currency है Congolese franc और president है यहाँ के Felix Tshisekedi. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अब्दुल फतेह एल सीसी हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री. ये प्रेजिडेंट बने हैं इजिप्ट के. 2030 तक अभी यहाँ के प्रेजिडेंट रहने वाले हैं. इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड.
फिर इंडिया और इजिप्ट के बीच जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन। सेकेंड एडिशन इसका इजिप्ट में कंडक्ट किया गया है। और ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज, इसमें 34 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेंट है। इसको भी इजिप्ट में कंडक्ट किया गया था। विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ई वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट? इंडियन टूरिस्ट के लिए ई वीज़ा जापान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। 90 डेज स्टेज फॉर टूरिज्म, इसके तहत ये ई वीज़ा जारी किया गया है विदाउट फिजिकल वीज़ा स्टिकर्स। एप्लीकेंट्स को एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेना है और डिजिटल वीज़ा इशुएंस नोटिस को ही बस शो कर देना है विद अ बारकोड एट एयरपोर्ट चेक इन। ठीक है, तो ये जापान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। अगर बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है 2024 में? भारत इसमें 82nd नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ जॉइंड मेटास थर्ड पार्टी फास्ट चेकिंग पार्टनरशिप? इसमें शामिल हुआ है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। पीटीआई ने ज्वाइन किया है मेटास थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप टू टारगेट मिस इन्फॉर्मेशन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। लोकसभा इलेक्शन से पहले ये पार्टनरशिप की गई थी ताकि लोकसभा इलेक्शन में मिस इन्फॉर्मेशन को फास्ट चेक किया जा सके और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, 27 अगस्त 1947 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन है अवीक सरकार, एडिटर इन चीफ हैं विजय जोशी। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड द अल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट अ नेशनल डिजास्टर? तो रिसेंटली जिम्बाब्वे में नेशनल डिजास्टर के रूप में ड्रॉट को डिक्लेयर किया गया, और वो ड्रॉट, वो सूखा किस वजह से पड़ा था? अल नीनो की वजह से। जिम्बाब्वे डिक्लेयर्स अ नेशनल डिजास्टर एज अल नीनो कॉज्ड अ सीवियर ड्रॉट अफेक्टिंग ओवर 2.7 मिलियन पीपल विद फूड शॉर्टेजेस। ये ड्रॉट जो थी जिम्बाब्वे में, वन ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट थी ड्यू टू अल नीनो। ठीक है, तो सिंपल सा यही क्वेश्चन आ सकता है जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अल नीनो इंड्यूस ड्रॉट की वजह से नेशनल डिजास्टर कहाँ डिक्लेयर किया गया? जिम्बाब्वे में किया गया। कच्चा तीवू आइलैंड, अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इज सिचुएटेड इन द पाक स्ट्रेट। ठीक है, कच्चा तीवू आइलैंड जो है ये कहाँ पर है? पाक स्ट्रेट में है, और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कभी कोई ना कोई पॉलिटिशियन या कोई इस बारे में बात कर लेता है, इसको मेंशन कर देता है, तो न्यूज़ में आ जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम स्लोवाकियाज न्यू प्रेसिडेंट? स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, 6th प्रेसिडेंट हैं। और ये स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा। EU मेंबर कंट्री है ये। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की एक मेंबर कंट्री है। 1 मई 2004 से करेंसी यहाँ पर यूरो इस्तेमाल होती है। विच इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल पोर्ट टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया? इंडिया के द्वारा अक्वायर किया जाने वाला सेकेंड इंटरनेशनल पोर्ट कौन सा बना है? ये है म्यांमार का सितवे पोर्ट। इससे पहले ईरान में चाबहार पोर्ट, उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा कई बार, वो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नॉट एयरपोर्ट, पहला इंटरनेशनल पोर्ट था जो भारत ने एक्वायर किया था। भारत के द्वारा उसको डेवलप किया गया है। अब सेकंड ग्लोबल पोर्ट सितवे म्यांमार का है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये अप्रूवल दे दिया गया है। फिर ये फैक्ट याद रख सकते हैं, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एक सब्सिडरी है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की, विच इज़ अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर बेस, और यही ज़्यादातर पोर्ट के सारे काम देखती है। इसी के कंट्रोल में ये जो पोर्ट है ना, जो इंटरनेशनल पोर्ट अभी अक्वायर किए हैं दोनों, ये इसी के अंडर में है। वट इज़ द नेम ऑफ जिम्बाब्वेज न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी? इसका नाम है ZiG, ऑप्शन सी करेक्ट है। ZiG मतलब ZiG से जिम्बाब्वे, G मतलब गोल्ड। इट एम्स टू रिप्लेस द सीवियरली डिवैल्यूएट जिम्बाब्वियन डॉलर। जिम्बाब्वे की जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा अभी उठा पटक उसमें देखी गई थी, इन्फ्लेशन रेट 55% तक पहुंच गया था, इसी चक्कर में ये चीज़ किया गया है। जिम्बाब्वे सेंट्रल बैंक गवर्नर, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। Who has been recently elected as the chairman of Senate, the upper house of the Pakistani parliament? Pakistani parliament का upper house जो है Senate, उसके chairman कौन elect हुए हैं अभी? ये हैं यूसुफ रजा गिलानी, option B correct है। और पाकिस्तान के PM हैं शहबाज शरीफ। Lee Hsien Loong is the prime minister of which country who has announced to resign from his post? ये सिंगापुर के prime minister थे और अभी इन्होंने resignation दे दिया है अपनी post से, after nearly 20 years of service. सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन हैं? थर्मन शनमुगरत्नम हैं, और करेंसी यहाँ पर सिंगापुर डॉलर यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये बन गए हैं कुवैत के नए PM। कुवैत वेस्ट एशिया की कंट्री है, कुवैत सिटी यहाँ की कैपिटल है, करेंसी यहाँ की है कुवैती दिनार। विच कंट्री हैज़ बिकम द 39th कंट्री टू जॉइन द आर्टेमिस एग्रीमेंट? आर्टेमिस एग्रीमेंट
इसको ज्वाइन करने वाली 39th कंट्री स्लोवेनिया बनी है, भारत भी इसका पार्ट है, और 38th कंट्री बनी थी स्वीडन, ये भी अप्रैल 2024 में इसमें शामिल हुई थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैज़ एम्बार्क्ड ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू विच यूरोपियन कंट्री। हमारे सेकेंड CDS जनरल अनिल चौहान जो है ये फ्रांस पर ऑफिशियल विजिट के लिए गए थे। इनकी विजिट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फर्दर स्ट्रेंथन द स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, वॉल्केनो माउंट इरेबस वाज इन न्यूज रिसेंटली, इन विच कॉन्टिनेंट इज इट लोकेटेड। ये वॉल्केनो माउंट अंटार्कटिका में लोकेटेड है। अंटार्कटिका का मोस्ट फेमस एक्टिव वॉल्केनो है माउंट इरेबस, और ये न्यूज़ में आया है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ गोल्ड डस्ट वर्थ $6,000 एवरी डे। माउंट इरेबस इज द सेकेंड हाइएस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन अंटार्कटिका एंड इज लोकेटेड ऑन रॉस आइलैंड इन अंटार्कटिका। अर्थ के साउथ में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो यही है। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ पास्ड अ बिल टू सेंड रिफ्यूजीज टू रवांडा। ये कंट्री है ब्रिटेन जिसने एक बिल पास किया है रवांडा में रिफ्यूजीज को भेजने के लिए, शरणार्थियों को भेजने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको मिस भी कर सकते हैं। प्रबोवो सुबियांतो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये प्रेजिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के, इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे ये, ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट, इनसे पहले जोको विडोडो थे, अभी बने हैं प्रबोवो सुबियांतो, नाम याद रखिएगा। विच कंट्री इज कंटेम्पलेटिंग लिफ्टिंग व्हीकल इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस टू स्टिम्युलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एज रिपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द एंड ऑफ 2024 और अर्ली 2025। कौन सी कंट्री है जो अपने आप पर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए व्हीकल इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली है? ये कंट्री है श्रीलंका। अब ये इसलिए किया गया है कि कभी भी कोई चीज़ हम इम्पोर्ट करेंगे तो उसके लिए पे करते हैं। अब बाहर की कंट्री से कुछ खरीदेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज के ज़रिए ही पे किया जाएगा, तो अगर ऐसे में इम्पोर्ट ज़्यादा होता है ना तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो कम होता रहता है, और वो कम होना अभी श्रीलंका के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो बुरी सिचुएशन से निकल कर धीरे धीरे आ रहा है। IMF ने कई सारा उधार दिया हुआ है, अभी फिर से भी IMF से लोन की ज़रूरत पड़ी है, किसी भी इंटरनेशनल बॉडी से लोन की ज़रूरत अगर पड़ती है तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो बना के रखने ज़रूरी हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह में। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये व्हीकल इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन श्रीलंका के द्वारा लगाया गया है। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड 2024 अप्रैल में जो न्यूज़ देखने को मिली उनको देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ओम शेप्ड टेंपल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। दुनिया का पहला ओम शेप्ड टेंपल राजस्थान में कंस्ट्रक्ट किया गया है। राजस्थान में भी जगह पूछी जाए तो पाली याद रखिएगा। ग्लोबल आर्किटेक्चरल मार्वल 250 एकड़ में बना हुआ है। 1008 लॉर्ड महादेव आइडल्स इसमें स्थापित किए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगास स्थापित किए गए हैं। 1995 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 2023-24 में ये कंप्लीट हो गया है। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च्ड। इसे IIT बॉम्बे में लॉन्च किया गया है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रेसिडेंट हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट IIT बॉम्बे। दिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इसका नाम क्या है? कार टी सेल थेरेपी। इसके बारे में साइंस में बहुत पढ़ा होगा। इंडिया की पहली कार टी सेल थेरेपी ये डेवलप की गई है थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद इंडस्ट्री पार्टनर इम्यूनो ACT। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये बेसिक चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। कार टी सेल थेरेपी एक तो याद रखिएगा कैंसर के लिए होती है, ठीक है। दूसरा, ये पहली बार भारत में इसको परमिशन मिली है और पहली बार भारत में इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें होता क्या है, टी सेल यहाँ पर लिखा हुआ है, वाइट ब्लड सेल्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ना दो तरह के होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं WBC, टी सेल्स और बी सेल्स, है ना। इसमें बी सेल्स कौन से होते हैं? ये ऐसे होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में, वायरस से लड़ने में हेल्प करती हैं। टी सेल्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में खुद के हमारे सेल्स होते हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे सेल्स जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ऐसे सेल्स जो कि कन्वर्ट होके इस तरह के बन गए हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस हैं, जैसे कैंसर सेल है। कैंसर सेल जो है हमारे सेल्स का रूप ही ले लेता है ना वो एक तरह से, और इंक्रीज़ करता जाता है अपने आप को। तो इसीलिए यहाँ पर टी सेल्स की बात की गई है, टी सेल्स को लिया जाता है। प्रोसेस किस तरह का है, तो टी सेल जो है किसी भी व्यक्ति के शरीर से टी सेल को निकाला जाता है, जो भी कैंसर, जिस भी व्यक्ति को कैंसर है, जो कैंसर से पीड़ित है, भगवान करे कोई भी ना हो, लेकिन जो भी पीड़ित है उसके टी सेल्स को निकाला जाता है उसकी बॉडी से। फिर उसकी बॉडी, जो टी सेल निकाला गया है उस टी सेल में कार क्या है, एक तरह का एंटीजन रिसेप्टर है,
इस रिसेप्टर को उस टी सेल पर लगाया जाता है ना, टी सेल के चारों तरफ रिसेप्टर को लगाया जाता है। फिर लैब के अंदर ही इन टी सेल्स को बहुत ज़्यादा इनको इंक्रीज़ किया जाता है ना, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है, और फिर बहुत सारी संख्या में इनको बनाकर फिर वापस से व्यक्ति की बॉडी में डाल दिया जाता है। अब ये जो रिसेप्टर लगाया गया है, कार नाम का रिसेप्टर जो लगाया गया है, ये कैंसर सेल को पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कैंसर सेल को पहचानता है, फिर कैंसर सेल के पास में जाकर ये टी सेल्स जो है उस सेल को ख़त्म करने का काम करता है ना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि ये कैंसर सेल है, इसको ख़त्म करना है। तो टी सेल अपने आप को फिर से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं वो अपना, और फिर वो कैंसर सेल को ख़त्म कर देता है। इस तरह की पूरी टेक्नोलॉजी है, और मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो गया हो तो उसको करेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट। इसको टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो कंपनी है टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी है। इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नाम है TSAT-1A। इसको इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और लॉन्च कहाँ से करवाया है इस कंपनी ने, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करवाया गया है USA से। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी इलॉन मस्क की है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। इसको चित्रकूट में इंस्टॉल किया गया है। स्टेट का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन तुलसी वाटरफॉल ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसे फॉरेस्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। ब्रिज इन द शेप ऑफ अ बो एंड एरो हैज़ एन एरो जिसकी लेंथ है 25 मीटर्स टूअर्ड्स द चैज्म, वाइल द बो जिसकी विड्थ है 35 मीटर्स बिटवीन द टू पिलर्स। हु इज़ सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बाई ज्वाइनिंग ब्लू ऑरिजिन्स NS-25 मिशन। तो ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं गोपी चंद थोटाकुरा। 6 पर्सन का क्र्यू जाने वाला है NS-25 मिशन के तहत। स्पेस स्टार्टअप ब्लू ऑरिजिन जो है, ये स्पेस स्टार्टअप है जेफ बेजोस का। ठीक है, इनका ये मिशन है, इसके तहत 6 पर्सन का क्र्यू जाएगा जिसमें इंडियन स्पेस टूरिस्ट ये होने वाले हैं। पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट होंगे और सेकेंड इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस आफ्टर विंग कमांडर राकेश शर्मा इन 1984। ब्लू ऑरिजिन की स्थापना हुई थी 8 सितंबर 2000 में। फाउंडर हैं जेफ बेजोस, हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन USA में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट मल्टी नेशनल कार मैन्युफैक्चरर टू एक्सपोर्ट EVs फ्रॉम इंडिया। ये बन गई है सिट्रोएन, ऑप्शन ए करेक्ट है। फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी है। 500 इलेक्ट्रिक कार्स जो भारत में बनी हुई हैं इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा, और इसके साथ ही ये बन गई है पहली मल्टीनेशनल कार मेकर टू एक्सपोर्ट EVs फ्रॉम इंडिया। फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी है। 1919 में इसे फाउंड किया गया था। सिट्रोएन इंडिया को फाउंड किया गया था 2019 में। हेडक्वार्टर है इसका तिरुवल्लुवर चेन्नई में। विच इज़ द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज़ हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला पहला स्टेडियम बना है धर्मशाला का, हिमाचल प्रदेश में है धर्मशाला, वहीं का स्टेडियम है। इसने ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ वैक्सीन फॉर मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस के लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंट्री नाइजीरिया बन गई है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस वैक्सीन का नाम है MEN-5CV या फिर MEN-5। मेनिनजाइटिस एक इन्फेक्शन है दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन मेम्ब्रेन्स को मेनिनजेस बोला जाता है। मेनिनजाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस फंगी एंड पैरासाइट्स, और पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड हो सकता है। विच IIT लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। इसको IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है हेल्थ केयर एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। द फैसिलिटी कैन कैलिब्रेट 45 टाइप ऑफ life saving devices like defibrillators and dialysis meters for reliable patient treatment. Rural hospitals जहाँ तक ये सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं जल्दी से, वहाँ तक पहुँच सकें और वहाँ तक के लिए accessible हो, इस वजह से ये लॉन्च किया गया है इसको। In which country has the first Hindi radio broadcasting started? इसको कुवैत में start किया गया है, तो option B correct होगा। दोनों countries के बीच relationship को strengthen करने के लिए ये किया गया है 2021-22 में। इंडिया और कुवैत ने अपनी 60th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी सेलिब्रेट किया था। इंडियन एम्बेसडर टू कुवैत कौन है? आदर्श स्वाइका हैं। इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पस हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। इसको हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। 1500 मेगावाट का ये पायलट प्रोजेक्ट है। द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड 25 किलोवाट फ्यूल सेल। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर और फेस्टिवल और फेयर्स की, करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यूनेस्कोज एग्जीक्यूटिव बोर्ड
हैज़ एंडोर्स्ड द एडिशन ऑफ 18 साइट्स टू द यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क एज ऑफ 2024 हाउ मेनी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स आर देयर। 2024 में देखें तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स कितने हैं, 213 हैं। 18 साइट्स इसमें और जोड़ी गई हैं यूनेस्को के द्वारा, और ये जो 18 साइट्स जोड़ी गई हैं ये कौन सी कंट्रीज़ की हैं, ब्राज़ील, चाइना, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन की हैं। और इसके साथ ही 213 जियो पार्क्स हो चुके हैं 48 कंट्रीज़ में जो मौजूद हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इंक्लूडिंग बिहू ढोल, जापी एंड सारथेबारी बेल मेटल क्राफ्ट। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं असम के जिनको रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, GI टैग प्रोवाइड किया गया है। बिहू ढोल, जापी, असम अशारी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट, असम पानी मटिका क्राफ्ट, सारथेबारी मेटल क्राफ्ट और असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इन सभी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द शिग्मो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। शिग्मो फेस्टिवल है गोवा का, स्प्रिंग के अराइवल पर यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें स्ट्रीट परेड्स, वॉक डांसेस, फ्लोट्स ये सब देखने को मिलते हैं। गोवा के रिच कल्चरल हेरिटेज को इसमें शोकेस किया जाता है। कुछ और फेस्टिवल्स गोवा के देखें तो साओ जुआओ, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, सनबर्न फेस्टिवल, ये सारे हैं गोवा के। कठिया वीट विच हैज़ रिसेंटली बीन गिवन GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। ये वीट है उत्तर प्रदेश का जिसको GI टैग दिया गया है, और उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड रीजन में ये देखने को मिलता है कठिया गेहूँ। उत्तर प्रदेश हैज़ एमर्ज्ड एज अ लीडर इन एक्वायरिंग GI टैग्स, पहला स्टेट टू अचीव अ रिमार्केबल 69 GI टैग्स। पहला GI टैग भारत में किसे मिला था, दार्जिलिंग टी को 2004-05 में। यहाँ लिस्ट देख लेते हैं जो रिसेंटली कुछ स्टेट के प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं GI टैग्स। सबसे पहले असम के देखें, अशारी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मटेका क्राफ्ट, सारथेबारी मेटल क्राफ्ट, जापी, बैम्बू हेड केयर ऑफ रूरल असम है ये, मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बिहू ढोल, बोडो दुखोना, बोडो एरी सिल्क, बोडो जमग्रा, बोडो गमसा, बोडो थोरखा और बोडो शिफुंग, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं असम के जिनको दिया गया रिसेंटली GI टैग। उत्तर प्रदेश के हैं बनारस ठंडाई, बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल, भरवा मेश, बनारस लाल पेड़ा। त्रिपुरा के हैं पचरा, रिगनाई, मटाबारी पेड़ा। मेघालय का है मेघालय गारो टेक्सटाइल वेविंग, मेघालय लिरनाई पॉटरी और मेघालय चुबीची। टू विच हिस्टोरिकल पीरियड डू द कॉइंस अनअर्थ एट द फणीगिरी बुद्धिस्ट साइट बिलोंग। फणीगिरी बुद्धिस्ट साइट जो है यहाँ से इक्ष्वाकु पीरियड के कॉइन्स रिसेंटली अनअर्थ किए गए हैं, खोजे गए हैं। एक पॉट पाया गया है जिसमें लगभग 3,703 लेड कॉइन्स देखे गए हैं विद एलिफेंट सिंबल्स ऑन वन साइड एंड उज्जैन सिंबल ऑन द अदर साइड। ये कॉइन्स बिलोंग करते हैं इक्ष्वाकु पीरियड से, डेटेड बिटवीन 3rd century एंड 4th century कॉमन एरा। रिसेंटली सितार एंड तानपुरा ऑफ विच स्टेट हैव गॉट GI टैग्स, ये हैं महाराष्ट्र के जिनको GI टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के कुछ और GI टैग्स हैं सोलापुर चद्दर, पुनेरी पगाड़ी, नाशिक क्रेप्स, अल्फोंजो मैंगो, सांगली अनियंस और भीवापुर चिली। हु विल ऑर्गेनाइज शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस, इसको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एट 7 डिफरेंट शक्तिपीठ्स अक्रॉस द कंट्री। शक्ति उत्सव ये कामाख्या टेम्पल से शुरू किया गया जो कि गुवाहाटी में है। संगीत नाटक अकेडमी एक नेशनल अकेडमी है परफॉर्मिंग आर्ट्स की, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, इसको झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है सरना सोसाइटी के लोगों के द्वारा। पतझड़ के मौसम के बाद जब फिर से नए फूल आने शुरू होते हैं पेड़ों में, उस टाइम पर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। 1967 से ये मनाया जा रहा है। पोइला बोईशाख इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये है वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल। बंगाली पीपल्स ट्रेडिशनल न्यू ईयर है। अकॉर्डिंग टू द लूनी सोलर बंगाली कैलेंडर द फेस्टिवल टेक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ बैशाख, 14 या 15 अप्रैल को हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पोहेला मीन्स फर्स्ट इन बंगाली एंड बोईशाख इज द बंगाली कैलेंडर्स फर्स्ट मंथ। Which metal is the recently unveiled 50 gram colored souvenir coin of Ramlala Pran Pratishtha made of? Ramlala Pran Pratishtha का 50 gram का colored स्मारिका सिक्का बनाया गया था silver metal से। Pran Pratishtha ceremony को जो मनाया गया था ना, उसी के time पर ये सिक्का भी बनाया गया था। इसे हमारी finance minister निर्मला सीतारमन जी ने release किया। इसके अलावा इस कॉइन के अलावा अ कॉइन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इसे भी अनवील किया गया एंड द ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो एनिमल, इसका कॉइन भी रिवील किया गया उनके द्वारा। तिरंगा बर्फी एंड स्लोपिंग मेटलर्जिक हैव बीन गिवन GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट, ये दोनों ही चीज़ें उत्तर प्रदेश की हैं जिनको GI टैग दिया गया है। बनारस रीजन के 34 प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली ये मिला है
GI टैग, ठीक है, जैसे कि धौला मूर्ति, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इन्हें भी GI टैग मिला है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 75 प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या? अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें एक इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। मतलब पूरा जो सेटअप लगाया गया था ना, ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, पूरा जो सेटअप लगाया गया था वो इसके द्वारा ही लगाया गया, IIA के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स सेटअप किया गया था 1971 में, और अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम इसके डायरेक्टर हैं। वेयर वर द फॉसिल्स ऑफ द कोलोसल स्नेक वासुकी फाउंड इन इंडिया April 2024? वासुकी सांप जिसको हम अपने पुराणों में या प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं, उसके फॉसिल्स कहाँ से पाए गए हैं? गुजरात से। द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स आर बिटवीन 10 to 15 मीटर इन लेंथ एंड वर फाउंड इन गुजरात लिग्नाइट माइन इन कच्छ। हिंदू माइथोलॉजी में वासुकी सांप का जिक्र हम बहुत देखते हैं। वेयर इज फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई काठमांडू नेपाल में। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन माया को पहचाचा नेपाल इन कोलैबोरेशन विद नेपाल टूरिज्म बोर्ड। एम है इसका टू प्रमोट नेपाल एज अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल डेस्टिनेशन फॉर द सेक्सुअल माइनॉरिटी कम्युनिटी इन साउथ एशिया सच एज द LGBT कम्युनिटी। इन विच स्टेट इज द सेम खीलांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इस फेस्टिवल को मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। नया फेस्टिवल तो याद रखिएगा, खासी ट्राइब के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में। खासी पीपल आर एन इंडिजिनस एथनिक ग्रुप रिजाइडिंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय इन द खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये मेघालय की लार्जेस्ट कम्युनिटी है। नेक्स्ट कैटेगरी पर आ गए हैं जो कि है बैंकिंग और इकोनॉमी की। देखते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन, जेम पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद, ये डील करता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट से। जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, अगस्त 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए एक तरह से नेशनल पोर्टल है। बेसिकली क्या है ना कि गवर्नमेंट के ऑफिस में जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो भी खरीदना होता है गवर्नमेंट को, वो यहाँ इस पोर्टल से खरीदना, इसी चीज़ के लिए जेम पोर्टल बनाया गया था। और यहाँ पर MSME सेक्टर के बहुत सारे ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन्स को, उनको सपोर्ट किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़, PSUs और ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए जेम पोर्टल की सर्विसेज उपलब्ध हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, ये इससे डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम डिड यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंस इन 2024? इनके द्वारा सेटेलाइट बेस्ड एक नया टोल कलेक्शन सिस्टम अनाउंस किया गया है। इसके तहत डिस्टेंस के ज़रिए ही टोल फीस जो है डिडक्ट हो जाएगी बैंक अकाउंट से, और इसके थ्रू फिर टाइम और फ्यूल दोनों की बचत होने वाली है। टाइम, ट्रैवल टाइम जो ज़्यादा लग जाता है टोल की वजह से, वो इसमें कम हो जाएगा। एम फॉर US लेवल हाईवे नेटवर्क बाय 2024। विच पोर्ट रिसेंटली बिकेम द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया बाय अचीविंग अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 145.38 MMT कार्गो थ्रूपुट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो ये जो पोर्ट है, ये पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, ऑप्शन सी करेक्ट है, ओडिशा में है ये। इसने दीनदयाल पोर्ट को कार्गो के मामले में पीछे कर दिया है। यहाँ पर हाईएस्ट कोस्टल शिपिंग ट्रैफिक देखने को मिलता है एट 59.19 मिलियन टन्स। एम है इसका 300 मिलियन मीट्रिक टन कैपेसिटी इन 3 ईयर्स। इसके अलावा 2030 तक का लक्ष्य है 100% बर्थ मैकेनाइजेशन का। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं श्री PL हरानद। What was the total value of UPI transaction in the financial year 2023-24? तो UPI transaction 2023-24 में इसकी total value 199.89 trillion है। इससे पहले के fiscal year में ये 139.1 trillion rupees थी, लेकिन अभी बढ़कर हो गई है इतनी। केवल मार्च 2024 में 55% का increase देखने को मिला है in volume। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? इनका नाम है राकेश मोहन। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के मेंबर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, 1944 में स्थापित हुआ था। प्रेजिडेंट है अजय बांगा, हेडक्वार्टर है इसका Washington DC USA में। At what rate has RBI maintained the repo rate for the 7th time in a row? RBI के द्वारा repo rate को maintain किया गया है 6.50 पर, लगातार सातवीं बार इतना ही रखा गया है।
रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टारगेट मेनली रखा गया है, उस पर फोकस है आरबीआई का। और ये रेपो रेट वगैरह कौन डिसाइड करता है, तो ये है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 6 मेंबर्स जिसमें होते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसमें 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई, और 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। व्हेन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग टू एंड द इम्पोर्ट ऑफ यूरिया इन द कंट्री? गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025 तक यूरिया को इम्पोर्ट करना ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? यूरिया का प्रोडक्शन देश के अंदर बढ़ाकर। 2014-15 में यूरिया का प्रोडक्शन देश में 225.08 था, 2022-23 में ये 284.95 लाख टन हुआ है। 2022-23 में टोटल इम्पोर्ट यूरिया का 75.8 लाख टन था, विच इज़ अबाउट 30% ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड। यूरिया को हम ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई इन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, और लक्ष्य है कि 2025 तक इस इंपोर्ट को ख़त्म करना है। हु हैज़ लॉन्च्ड एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, जिसका नाम है स्कोर्स 2.0। इसे सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, नाम है स्कोर्स 2.0। दिस एनहांस्ड सिस्टम फीचर्स ऑटोमेटेड राउटिंग, ओवरसाइट बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज एंड स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस। पहली बार इसको 2011 में लॉन्च किया गया था, जून 2011 में। अभी अपडेटेड वर्जन है इसका। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद ई सेवा एंड HAN पोखरा टू प्रमोट UPI इन नेपाल? ये कंपनी है फ़ोन पे, जिसने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ में पार्टनरशिप की है ताकि नेपाल में UPI को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, फ़ोन पे के CEO हैं समीर निगम। वॉलमार्ट की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र में, 2015 में स्थापित किया गया था। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? ये है HDFC बैंक, जिसने लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन की है अपनी। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था ये बैंक। CEO हैं शशिधर जगदीशन। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस इन 2023? इंडिया बन गया है वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज का। पहले से भारत ने अभी इन सर्विसेज में 17% इंक्रीज़ देखा है। ठीक है, ये जो डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस है, इनके एक्सपोर्ट में 17% बढ़त की है, हासिल की है भारत ने। $257 बिलियन का 2023 में एक्सपोर्ट किया है इन सर्विसेज का भारत ने। यूरोप में ये बढ़ोतरी 11% देखने को मिली, एशिया में 9% देखने को मिली, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट रिलीज बाय द WTO। इन द फिस्कल ईयर 2023-24, हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया एड, सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड? अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया ने 18.48 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड किया है। अच्छा, ये जो सारे हम करंट अफेयर कर रहे हैं, हम डेली जो रिवाइज़ करते हैं, रिविजन वाले पार्ट में देखते हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल ना रटी हुई होनी चाहिए। तो अभी हमारी जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, उसमें 18.48 गीगावाट की बढ़ोतरी हो गई है, पिछले सालों से 21% हायर रहा है ये। टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी कितनी हो गई है हमारी? 18.48 गीगावाट बढ़ी है। टोटल कितनी हुई है? 143.64 गीगावाट। 2030 तक हमें ये 143 से बढ़ाकर 500 गीगावाट करना है। गुजरात एंड राजस्थान हैव द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज ऑफ अबाउट 27 गीगावाट इच। ठीक है, हमारी यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है? RK सिंह हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय फिनटेक फर्म भारत पे एज इट्स होल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? भारत पे के होल टाइम CEO बनाए गए हैं नलिन नेगी, ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत पे एक पेमेंट्स कंपनी है जो इंडिया में ही बनाई गई है, सर्विंग ऑफलाइन रिटेलर्स एंड बिजनेसेस। फाउंडर्स हैं इसके अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी। हु इज़ द MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हु हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द सेकेंड 5-year term? यह हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, अब फिर से इनको चुना गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के MD के तौर पर 5 साल के लिए। ठीक है, बुल्गारिया से ये बिलोंग करती हैं। हिंदुस्तान जिंक हैज़ रीच्ड व्हाट पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली? हिंदुस्तान जिंक सिल्वर प्रोडक्शन में ग्लोबली 3rd नंबर पर पहुंचा है। वेदांता ग्रुप कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। लास्ट ईयर सिल्वर प्रोडक्शन में 4th पोजीशन पर थी, अभी 3rd पर आ गई है। सिल्वर प्लेज अ वाइटल रोल इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, हिंदुस्तान जिंक के चेयरपर्सन हैं प्रिया अग्रवाल। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस इन अप्रैल 2024?
ये हैं केकी के मिस्त्री, ऑप्शन डी करेक्ट है। इनसे पहले दीपक एस पारिक चेयरमैन थे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, जिसके बाद केकी एम मिस्त्री को बनाया गया है नया चेयरमैन इसका। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के CEO हैं विभा पडलकर, 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर है मुंबई में। RBI अप्रूव्स अजीत कुमार KK हु वॉज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ विच बैंक। अजीत कुमार KK धन लक्ष्मी बैंक के MD के रूप में अपॉइंट किए गए हैं 3 साल के पीरियड के लिए। धन लक्ष्मी बैंक 1927 में स्टेब्लिश हुआ था इन त्रिसूर, केरला। धन लक्ष्मी बैंक इज एन ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, टैगलाइन है इसकी तन मन धन। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स के मामले में तमिलनाडु ने टॉप किया है। नेशनल शेयर का टोटल 33% सिर्फ तमिलनाडु ने अचीव किया इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में। सेकेंड नंबर पर इसमें केरला रहा है। क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 डॉक्यूमेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, इसको नाबार्ड ने लॉन्च किया है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अर्थ डे के मौके पर नाबार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाबार्ड के चेयरमैन हैं शाजी KV। ऑब्जेक्टिव क्या है इस डॉक्यूमेंट का? टू मीट इंडियाज ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट। नाबार्ड के अकॉर्डिंग इंडिया को ज़रूरत है $170 बिलियन की एवरी ईयर टू रीच अ टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ओवर $2.5 ट्रिलियन बाय 2030। अगर बात करें ग्रीन फाइनेंसिंग में भारत ने कितने कलेक्ट किए हैं 2019-20 में, तो ये डेटा कहता है $49 बिलियन कलेक्ट किए हैं, लेकिन हमें हर साल कितने की ज़रूरत है $170 बिलियन की। और इसी को पूरा करने के लिए क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 डॉक्यूमेंट नाबार्ड ने लॉन्च किया है। With whom has CDOT signed an agreement to increase the efficiency of 5G networks? CDOT ने IIT जोधपुर के साथ ये MOU साइन किया है ताकि 5G नेटवर्क की efficiency को enhance किया जा सके। इसमें फोकस रहने वाला है ऑन डेवलपिंग एन ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग AI। CDOT एक टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है। What is the National Institute of Public Finance and Policy's GDP growth forecast for India in financial year 25? National Institute of Public Finance and Policy, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट कितनी बताई गई है? 7.1% एस्टिमेट लगाया गया है इसके अकॉर्डिंग। IMF ने ये 6.8% बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफासी एक्ट इज रिलेटेड टू, ये एक्ट संबंधित है डेट रिकवरी इन बैंकिंग सेक्टर से। सरफासी एक्ट 2002 का है, ये चीज़ याद रखिएगा। इस एक्ट के तहत ही असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है भारत में। इन कंपनीज़ का क्या काम है? तो बैंक के जो भी NPA होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं, उनको ख़रीदने का काम करती हैं ये कंपनीज़, और फिर उनको किस तरह से वसूला जाए, कैसे रिकवरी की जाए, ये सब देखने का काम इन कंपनीज़ के द्वारा किया जाता है। और अभी क्यों हम इसकी बात क्यों करें सरफासी एक्ट की? इस एक्ट के तहत कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इस गाइडलाइन में क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन दी गई है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, ताकि वो अपना मिनिमम कैपिटल जो है 300 करोड़ मेंटेन करें। 2026 तक का टाइम दिया गया, तब तक भी नहीं हो पाया तो फिर सुपरवाइजरी एक्शंस लिए जाएंगे। ARCs विद 1000 करोड़ नेट ओन्ड फंड कैन एक्ट एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स परमिटेड इन्वेस्टमेंट विद कंडीशंस। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है अवार्ड्स और ऑनर्स की, तो यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर द ईयर 2024। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मीना चरंदा को दिया गया है, इन्हें दिया गया है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एजुकेशन, सोशल सर्विस एंड पॉलिटिकल साइंस। सॉक्रेट्स सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। मीना चरंदा इसका आंसर होगा। REC हैज़ वन द स्कॉच ESG अवार्ड 2024 इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी। REC लिमिटेड कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो REC लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। इसे स्कॉच ESG अवार्ड दिया गया है। REC लिमिटेड महारत्न PSU है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके हैं TSC बोस। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है ये, और मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है? राजकुमार सिंह। हु वॉज ऑनर्ड विद द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024? ये अवार्ड SJVN लिमिटेड यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया है फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। लगातार तीसरी बार SJVN को ये अवार्ड मिला है। SJVN लिमिटेड इज अ शेड्यूल ए मिनी रत्न कैटेगरी 1 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। 24 मई 1988 में इसे स्टेब्लिश किया गया था।
टू होम डिड एक्ट्रेस महिमा चौधरी प्रेजेंट द प्रेस्टिजियस अवार्ड एट द ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024। महिमा चौधरी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन मधानी को। ऑप्शन ए करेक्ट है। अवार्ड कौन सा है? ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024। मुंबई में अवार्ड सेरेमनी ये हुई थी। डॉक्टर मधानी की बात करें तो इन्हें अवार्ड ये दिया गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द बिजनेस वर्ल्ड। द इवेंट टुक प्लेस एट द सेथिया बैंकेट। मुंबई में इवेंट हुआ था, बस इतना याद रखिएगा। विच पी एस यू वन द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड फॉर द बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट? गेल इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है। गेल इंडिया का नेचुरल गैस लीडर एंड वन ऑफ द महारत्न PSU है। इसे 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कैटेगरी। और कौन से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए मिला है? बरौनी नेचुरल गैस पाइपलाइन जो इसके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है। 1984 में गेल इंडिया को स्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। चेयरमैन और MD हैं संदीप कुमार गुप्ता। हु रिसीव्ड द मेडल ऑफ ऑनर एट कॉन्सुलर डे 2024 इन चेन्नई? ये नीरज ए शर्मा को दिया गया है फॉर हिज एग्जेम्पलरी एफर्ट्स इन प्रमोटिंग बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन पलाऊ एंड इंडिया। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के द्वारा ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम वाज द पोखरमल राजरानी गोयल मेमोरियल राजस्थानी कथा साहित्य अवार्ड गिवन इन द ईयर 2024? ये अवार्ड प्रेमलता सोनी और डॉक्टर मदन सैनी को दिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तीसरी बार ये अवार्ड दिया जा रहा है, राजस्थानी वुमेन राइटर्स अवार्ड। थर्ड एडिशन है इसका। प्रेमलता सोनी की रावण खांडी जो है इसको रिकग्नाइज किया गया है। डॉक्टर मदन सैनी की आस औलाद इसे एक्नॉलेज किया गया है और इन दोनों को ये अवार्ड मिला है, दोनों ही राइटर्स हैं। फॉर विच मिशन द इसरो टीम वॉज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू? इसरो का चंद्रयान 3 मिशन जो था उसकी टीम को दिया गया है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। 2004 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी इन द मेमोरी ऑफ जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर। ये नासा के अपोलो 13 मिशन के पार्ट थे और एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। जैन रिलीजियस लीडर लोकेश मुनि हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड इन विच कंट्री? ये अवार्ड इनको अमेरिका में दिया गया है, USA में। इंडिया के जैन स्पिरिचुअल लीडर हैं और US प्रेसिडेंट का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड मिला है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटी। अहिंसा विश्व भारती और वर्ल्ड पीस सेंटर इन इंडिया इसके फाउंडर भी हैं लोकेश मुनि। हु वॉज अवार्डेड द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स? ये अवार्ड ममता जी सागर को दिया गया, पिक्चर में आप इनको देख रहे हैं, इनको मिला है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। इनके वर्क्स कुछ देखें तो फर्स्ट एंथोलॉजी इनकी कादा नवेलिना हेजे 1992 में इनके द्वारा क्रिएट की गई, फिर नदिया निराना निरीना तेवा 1999 में, 2018 में शी प्रोड्यूस्ड अ सेट ऑफ पोइट्री फिल्म्स जिसका नाम है इंटरवेंशंस 1, इंटरवर्जन्स 2, इंटरवर्जन्स 3। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? ये हैं अवंतिका वंदम्पू, इंडियन अमेरिकन एक्टर एंड मीन गर्ल्स स्टार अवंतिका वंदम्पू। इन्हें साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। 19 ईयर ओल्ड हैं और इनको ये मिला है फॉर हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड हर इम्पैक्ट इन द इंटरनेशनल एंड इंडियन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। हु हैज़ बीन अवार्डेड द जॉन डिर्क अवार्ड? ये अवार्ड मिला है डॉक्टर गगनदीप कंग को। गगनदीप कंग जो हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ग्लोबल हेल्थ डायरेक्टर हैं। ग्लोबल हेल्थ की फील्ड में ही ये अवार्ड दिया जाता है, जॉन डिर्क प्राइज़, और ये पहली इंडियन वुमेन हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन्हें क्यों मिला है? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द नेशन एंड सोसाइटी। म्यूज़िक, सिनेमा, सोशल सर्विस और लिटरेचर, इन फील्ड्स में जो भी इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जिन लोगों का, उन्हें ये अवार्ड मिलता है। इस अवार्ड के पहले रिसिपिएंट थे PM मोदी, उसके बाद 2023 में आशा भोसले को दिया गया था। AR रहमान को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। हु वन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024? बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इसमें हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा का जो है इसको मिला है। फिर भारत के कुछ एयरपोर्ट्स भी इसमें शामिल हैं, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का 36 नंबर पर है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का 59th पर, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का 61st पर, और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का 95th नंबर पर है।
हु वॉज अवॉर्डेड द मालकॉम आदि शिष्य अवार्ड इन 2024। ये अवार्ड सुरिंदर एस जोधका को दिया गया है, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्हें JNU से ही बिलोंग करते हैं, इनको मिला है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर विकास कुमार फ्रॉम अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इन्हें एलिजाबेथ आदि शिष्य अवार्ड मिला है। उत्सा पटनायक को 2023 में लास्ट ईयर मालकॉम आदि शिष्य अवार्ड दिया गया था। हु वन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड मोहम्मद सलेम को मिला है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्हें क्यों मिला है? फॉर हिज पाइग्नेंट इमेज कैप्चरिंग अ पैलेस्टीनियन वुमेन होल्डिंग हर 5-year-old नीसेस बॉडी इन द गाजा स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पर देख भी रहे हैं आप लोग पिक्चर। हु वॉज बेस्टोर्ड विद द प्रेस्टिजियस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, ये अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड इज जेन कैंपियन सेट टू रिसीव एट द 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में जेन कैंपियन को पोर्डो डी ओनर मेनर अवार्ड दिया गया है। जेन कैंपियन न्यूजीलैंड की फिल्म मेकर हैं, इन्हें 2 अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं, 2 बाफ्टा अवार्ड मिल चुके हैं और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2024 लच्छू महाराज अवार्ड, ये अवार्ड मिला है पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी को। लच्छू महाराज फेमस कथक एक्सपोनेंट थे और उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड सेरेमनी लखनऊ उत्तर प्रदेश में की जाती है। विच मीडिया कंपनीज AI न्यूज एंकर सना वन द 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड फॉर AI लेड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन। AI न्यूज एंकर सना कौन सी मीडिया कंपनी की है? ये इंडिया टुडे की है, जिसे ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है। सना में मल्टीलिंगुअल और वर्सिटाइल रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसको इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एज इंडियाज़ फर्स्ट AI एंकर 2023 में। हु वन द मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स टाइटल इन अप्रैल 2024, ये टाइटल एलेजेंड्रा रोड्रिगेज ने जीता है। 60 ईयर ओल्ड हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, पहली महिला बनी है ऑफ हर एज टू क्लेम सच अ डिस्टिंग्यूस्ड ब्यूटी टाइटल। 2023 में ही मिस यूनिवर्स पेजेंट में रूल्स में थोड़ा सा चेंज लाया गया था, जिसके जरिए 18 साल से 73 साल तक की महिलाओं के लिए अलाउ किया गया है कि वो कम्पीट कर सकती हैं इसमें। और इसी में हम देखते हैं कि 60 ईयर ओल्ड लॉयर हैं एलेजेंड्रा मारिसा रोड्रिगेज, जिनके द्वारा ये जीता गया है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट में पहली बार सऊदी अरबिया पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की, तो हमने जो भी अप्रैल में देखे हैं उनको देखते हैं। अनुपमा उपाध्याय वन द वुमेन सिंगल्स एट विच इवेंट इन अप्रैल 2024, अनुपमा उपाध्याय ने ऑर्लैन पॉलिश ओपन में वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है तानिया हेमंत को हराकर। इसके अलावा मेंस डबल्स का फाइनल MR अर्जुन और मिस्टर अर्जुन होगा ये शायद, और ध्रुव कपिला, इन दोनों ने जीता है। अनुपमा उपाध्याय का ये 5th इंटरनेशनल वुमेन सिंगल्स टाइटल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच टीम वन द 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप हेल्ड इन इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम दिल्ली। तो ये नेशनल खो खो चैंपियनशिप जीती है महाराष्ट्र की टीम ने। चैंपियन को इसमें 3 लाख रुपए अवार्ड दिया गया है, रनर अप को 2 लाख। हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट मियामी ओपन 2024, मेन सिंगल्स का टाइटल इसमें जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर इसके अलावा मेन्स डबल्स टाइटल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने जीता है। वेमेन्स सिंगल्स टाइटल विनर हैं डेनियल कॉलिंस, और रिसेंटली रोहन बोपन्ना को पद्मश्री अवार्ड भी 2024 का दिया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर, ये बने हैं अर्जुन एरिगेसी, दुनिया में 9th नंबर पर इनकी रैंक है, 21 साल के हैं, 2nd इंडियन हैं जिन्हें विश्वनाथन आनंद के बाद फिडे रैंकिंग्स में रैंक मिली है। कोई विश्वनाथन आनंद की बात हुई है तो ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। आर वैशाली रिसेंटली बनी है 84th ग्रैंड मास्टर, और तीसरी वुमेन है, तीसरी फीमेल हैं जिन्हें ये टाइटल मिला है। हु वन द टाइटल ऑफ CCI स्नूकर क्लासिक, ये टाइटल पंकज आडवाणी ने जीता है कमल चावला को हराकर। मुंबई में ये टाइटल देखने को मिला था, लास्ट 2 साल से यही जीत रहे हैं ये टाइटल। हु मेड हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक, ये हैं कश्मीर की बिल्किस मीर, ऑप्शन डी करेक्ट है। कैनोइंग प्लेयर हैं ये, ठीक है, कैनोइंग करियर इन्होंने अपना 1998 में शुरू किया था। अभी ये पहली फीमेल जूरी मेंबर बनी है इंडिया की पेरिस ओलंपिक्स में। इससे पहले एशियन गेम्स में भी ये जूरी मेंबर के रूप में सर्व कर चुकी हैं। ठीक है,
ओलंपिक की बात हो रही है तो 2020 में समर ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है थॉमस पेच, हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट लिफ्टर्स हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक्स इन 2024? ये हैं मीराबाई चानू, पेरिस ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट करने वाली हैं IWF वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, इन्होंने जीत हासिल की है। इनके अलावा बिंद्रयानी देवी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। थाईलैंड में ये IWF वर्ल्ड कप हुआ था, इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद हसन जलौद। विच कंट्री हैज़ रिफ्यूज्ड टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स? 2026 में सिंगापुर ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने से मना कर दिया है। इससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया जो है ये होस्ट करने वाला था, उसने मना कर दिया था। फिर सिंगापुर से बोला गया, सिंगापुर ने भी अभी मना कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द आई लीग कॉम्पिटिशन 2023-24 टाइटल? ये कॉम्पिटिशन मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है। शिलोंग मेघालय में ये कॉम्पिटिशन हुआ था। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब कोलकाता से बिलोंग करता है। आई लीग इज़ अ प्रोफेशनल मेंस फुटबॉल लीग जिसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2007-08 में शुरू किया गया था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मैच इन द मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट ऑन क्ले कोर्ट्स इन अप्रैल 2024? ये जीतने वाले पहले इंडियन सुमित नागल बने हैं। ये इनकी पहली जीत है ATP मास्टर्स इवेंट में। ये बने पहले इंडियन सिंगल्स प्लेयर टू विन अ मास्टर्स 1000 मैच ऑन क्ले। वर्ल्ड लेवल पर इनकी रैंक है 95th। इनके अलावा रोहन बोपन्ना ये भी खेल रहे हैं दिस टूर्नामेंट विद हिज ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एब्डन। और रोहन बोपन्ना की बात हुई है तो पीछे हमने देखा ही था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स टाइटल भी ये जीत चुके हैं। वेयर इज़ द फर्स्ट लेग ऑफ द इनॉग्रल नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024-25 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? वुमेन्स हॉकी लीग का पहला चरण जो है ये रांची झारखंड में होने के लिए शेड्यूल किया गया है। पार्टिसिपेटिंग टीम्स इसमें हॉकी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा रहने वाली है। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दिलीप टिर्के। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन द इंडियन प्रीमियर लीग? आईपीएल में हाइएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज अभी तक विराट कोहली की हुई हैं। 8 सेंचुरीज इन्होंने आईपीएल हिस्ट्री में 8 सेंचुरी लगाने का जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट किया है। क्रिस गेल सेकंड पोजीशन पर हैं विद हिज 6 सेंचुरीज। फिर 4 सेंचुरीज कुछ प्लेयर्स की हैं जैसे जेसी बटलर, केएल राहुल, एसआर वॉटसन और डीए वार्नर। विराट कोहली इसके अलावा पहले क्रिकेटर हैं विद 7500 रन इन आईपीएल हिस्ट्री। आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज़ द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ये चैम्पियनशिप किर्गिस्तान में आयोजित की गई। इसमें उदित ने सिल्वर मेडल जीता है, अभिमन्यु और विक्की इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किर्गिस्तान में चैम्पियनशिप देखने को मिली। हु हैज़ बिकम द 8th इंडियन टू स्कोर 7000 और मोर रन इन T20 क्रिकेट? ये प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव, 8वें इंडियन बने हैं जिन्होंने 7000 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं T20 क्रिकेट में। लीड कौन कर रहा है इसको? विराट कोहली कर रहे हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू हिट 500 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट? ये हैं रोहित शर्मा, मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं ये IPL में। T20 क्रिकेट में 500 सिक्सेस लगाने वाले पहले इंडियन बने हैं। इसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन T20 क्रिकेट में देखें तो क्रिस गेल के सबसे ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद किरण पोलार्ड के और एंड्रयू रसल के। इंडिया में रोहित शर्मा नंबर 1 पर हैं। हु डिफीटेड कैस्पर रूड टू विन द मोंटे कार्लो मास्टर्स फॉर द 3rd टाइम इन 4 ईयर्स? कैस्पर रूड को स्टेफनोस सित्सिपास ने हराया है मोंटे कार्लो मास्टर्स में 3री बार 4 सालों में। ही हैज़ बीन रैंक्ड एज हाई एज वर्ल्ड नंबर 3 बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। 11 ATP सिंगल्स टाइटल्स ये जीत चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज ब्यूरोक्रेट्स रिसेंटली वन मल्टीपल मेडल्स एंड ब्रोक रिकॉर्ड्स एट नेशनल सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप? एकता विश्नोई हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं और इन्होंने नेशनल सीनियर पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं और कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन द डेडलिफ्ट विद द बेस्ट लिफ्ट ऑफ 165 kg, ब्रॉन्ज जीता है ओवरऑल विद द बेस्ट लिफ्ट ऑफ 132.5 kg इन द स्क्वाट, 70 kg इन द बेंच प्रेस एंड 165 kg इन द डेडलिफ्ट। 50-year-old सीनियर ब्यूरोक्रेट और डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। द ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये ओलंपिया में देखने को मिली, आंसर पहले ही देख चुके हैं। ग्रीस में है ये जगह ओलंपिया। सेरेमनी होती है ओलंपिक से पहले, ओलंपिक से 100 दिन पहले ये सेरेमनी स्टार्ट की जाती है, फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी। इन दिस द ओलंपिक फ्लेम हैज़ बीन लिट विद सनलाइट थ्रू ग्लास।
और ओलंपिक गेम्स के एंड तक ये जो फ्लेम है ये जलती रहनी चाहिए। हु वन द मेंस इवेंट एट द 128th बॉस्टन मैराथन मार्किंग हिज फर्स्ट बॉस्टन मैराथन टाइटल। ये हैं सिसे लेमा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इन्होंने बॉस्टन मैराथन मेंस टाइटल जीता है, बस इतना याद रखिएगा और नहीं है इंपॉर्टेंट। हु वन द सिल्वर मेडल इन खेलो इंडिया NTPC नेशनल रैंकिंग आर्चरी कॉम्पिटिशन। इसमें शीतल देवी के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं ये, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अभी खेलो इंडिया NTPC नेशनल रैंकिंग आर्चरी चैंपियनशिप में। इसके अलावा हरियाणा की एकता रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2024 का। एशियन पैरा गेम्स जो हुए थे हांगझू चाइना में, उसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल भी ये जीत चुकी हैं। वेयर डिड द 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 टेक प्लेस। ये जो ओलंपियाड है जॉर्जिया में देखने को मिला, 13th एडिशन था इसका। इंडियन टीम ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। फॉर विच कंट्री डज माया बाउशर प्ले, हु वॉज नेम्ड द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2024। तो ये इंग्लैंड की टीम से बिलोंग करती हैं, इनको ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए बनाया गया है। फरवरी में ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थी अनाबेल सदरलैंड, जनवरी में थी एमी हंटर। हु वॉज अवार्डेड द हॉकी इंडिया असुंता लाखड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द हॉकी इंडिया 6th एनुअल अवार्ड्स 2023। ये अवार्ड दीपिका सोरेंग के द्वारा जीता गया है, इनको ये अवार्ड मिला है अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। वुमेंस जूनियर एशिया कप में इन्होंने 7 गोल्स किए थे, इसके अलावा FIH वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप में 9 गोल्स किए थे ओमान में। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इनको असुंता लाखड़ा अवार्ड मिला है। हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया एट 20th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024। भारत के द्वारा इसमें 9 मेडल्स जीते गए हैं। किर्गिस्तान में ये चैम्पियनशिप हुई थी, हम पीछे भी देख चुके हैं ये चीज़ को। ओनली अंतिम पंगल हैज़ सिक्योर्ड अ कोटा फॉर द पेरिस ओलंपिक। मेडल विनर्स की यहाँ पर बात करें तो सिल्वर मेडल जीता है उदित, राधिका ने, अंजू, हर्षिता ने, और फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभिमन्यु, विक्की, शिवानी पवार, अंतिम पंगल और मनीषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली प्लेड 250 IPL मैचेस। ये बने हैं रोहित शर्मा, 250 IPL मैचेस खेलने वाले प्लेयर। महेंद्र सिंह धोनी के बाद सेकंड प्लेयर हैं जिनके 250 मैचेस कंप्लीट हुए हैं। दिनेश कार्तिक और विराट कोहली अभी लाइन में हैं। दिनेश कार्तिक के 249 मैचेस हो गए, विराट कोहली के 244। रोहित ऑल्सो रीच्ड 6500 रन्स इन द IPL और वो 4th बैटर बने हैं वो इतने रन बनाने वाले। इनसे पहले 3 प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, शिखर धवन और डेविड वार्नर। हु हैज़ सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक कोटा इन रोइंग। रोइंग में पहला ओलंपिक कोटा बलराज पवार को मिला है। साउथ कोरिया में एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में इन्होंने जीता था मेंस सिंगल्स का इवेंट, जिसके बाद इन्हें इंडिया का पहला कोटा दिया गया है पेरिस ओलंपिक का। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिट्रोइन इंडिया। ये है महेंद्र सिंह धोनी, ये मल्टीनेशनल कार मेकर कंपनी है, ठीक है, सिट्रोएन। और अभी कुछ टाइम पहले भी हमने न्यूज़ में देखा था कि ये पहली मल्टीनेशनल कार मेकर कंपनी बनी है जो कि भारत से EVs को एक्सपोर्ट करेगी दूसरी कंट्रीज़ में। 2-time एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट सौरव घोषाल हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वैश। स्क्वैश प्लेयर हैं ये और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। 2 गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और 2007 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। पहले स्क्वैश प्लेयर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। इंडियन मिल्क ब्रांड नंदनी हैज़ बिकम द स्पॉन्सर ऑफ विच 2 टीम्स इन द अपकमिंग T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये जो ब्रांड है नंदनी मिल्क ब्रांड है, इंडियन मिल्क ब्रांड है, ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड इन दोनों टीम्स का स्पॉन्सर रहने वाली है ये कंपनी आने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन इज़ फेमस फॉर इट्स नंदनी ब्रांड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। ये T20 वर्ल्ड कप होगा कहाँ पर, ये को होस्ट किया जाएगा वेस्ट इंडीज़ और USA के द्वारा। हु रिसेंटली वन द शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल। ये टाइटल मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता जाएगा, रेडबुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपन। शंघाई ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। विच इंडियन वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन द ACC पैरा कैनो एशियन चैम्पियनशिप 2024। ये जीता गया है प्राची यादव के द्वारा। मध्य प्रदेश की टॉप पैरा कैनोयर हैं प्राची यादव, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं ACC पैरा कैनोय एशियन चैम्पियनशिप में। टोक्यो जापान में चैम्पियनशिप हुई थी। 2023 में प्राची यादव को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज़ वन द टाइटल ऑफ कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट। ये जीता गया है डी गुकेश के द्वारा, 17 साल के हैं, ठीक है, यंगेस्ट विनर है इसके।
विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे प्लेयर बने हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू अचीव 200 विकेट्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग। 200 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बने हैं युजवेंद्र चाहल। ऑप्शन ए करेक्ट है। युजवेंद्र चाहल पहले नंबर पर हैं, फिर ड्वेन ब्रावो हैं, पीयूष चावला हैं और उसके बाद फोर्थ नंबर पर हैं भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डी थ्रोन्ड मनिका बत्रा टू बिकम इंडियाज नंबर वन इन वुमेन सिंगल्स टेबल टेनिस इन अप्रैल 2024। मनिका बत्रा को पीछे करके श्रीजा अकुला जो है ये नंबर वन पर आ गई हैं वुमेन सिंगल्स टेबल टेनिस में और वर्ल्ड रैंकिंग में ITTF की वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 38 पर हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उसैन बोल्ट। स्प्रिंटर हैं ये, ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के। ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ और USA के द्वारा को होस्ट किया जाएगा। हु वन द बार्सिलोना ओपन इन 2024। ये जीता है कैस्पर रूड ने स्टेफनोस सित्सिपास को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2024। एथलीट्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं नरसिंह पंचम। ऑप्शन ए करेक्ट है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रेसलिंग को भारत में गवर्न करता है, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। वेयर इज़ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज किया गया चाइना में। इंडियन ट्रायो ने इसमें मेडल जीते हैं। ये ट्रायो कौन है? तरुणदीप राय धीरज, बोमा दिवारा और प्रदीप जाधव। ज्योति सुरेखा वेन्नम ये सेकेंड नंबर पर रही हैं वुमेन्स कंपाउंड इवेंट में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। ये है सना अमीर, पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है। ये टूर्नामेंट होगा कहाँ पर? अबू धाबी UAE में होगा। और ये तो अभी पीछे ही देखा, उसैन बोल्ट ICC T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। द अरामको कंपनी विच विल स्पॉन्सर फीफाज मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट टिल 2027 बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये कंपनी सऊदी अरबिया से बिलोंग करती है और ये फीफा का जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है 2027 तक उसे स्पॉन्सर करने वाली है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ द मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। यह है युवराज सिंह। ठीक है, फिर ये तो हमने देख लिया उसैन बोल्ट और सना मीर को। हु वन द बैच ओपन स्क्वैश टाइटल बाय डिफीटिंग फ्रांसिस मेलविल साइनी मेनिको। ये टाइटल जीता है विलावन सेंथिल कुमार ने, बस नाम ही याद रखिएगा। हु सिक्योर्ड इंडियाज 21st शूटिंग कोटा फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स इन वुमेन्स स्कीट इवेंट एट द शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप इन दोहा कतर। सिंपल सी चीज़ है, दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप हुई थी, मतलब ओलंपिक फाइनल, ओलंपिक से पहले क्वालिफायर्स इवेंट होते हैं, बहुत सारे चैंपियनशिप होती हैं जहाँ पे मैचेस खिलवाए जाते हैं और क्वालिफाई करने के लिए कि ओलंपिक में कौन पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए मैचेस खेले जाते हैं। ठीक है, चैंपियनशिप खेली जाती है, फिर उसमें से जो भी जीत कर आता है निकल कर, जो भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको क्वालिफाई किया जाता है ओलंपिक में खेलने के लिए। तो ये शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप थी जिसमें वुमेन्स स्कीट इवेंट में महेश्वरी चौहान ने अपना शूटिंग कोटा जीता है पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। एट द 21st एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन दुबई विच प्रॉमिसिंग मिडिल डिस्टेंस रनर वन अ सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द वुमेन्स 800 मीटर इवेंट। इसमें लक्षिता विनोद सेंदिलिया इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, इनके अलावा श्रिया राजेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 400 मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट अब कैटेगरी आ गई है हमारी अपॉइंटमेंट्स की, स्पोर्ट के करंट अफेयर खत्म हो गए हैं। अपॉइंटमेंट्स पे देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज अपॉइंटेड टू चेयर द UN फोरम ऑन वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटीज़ 69th सेशन इन 2025। तो UN की फोरम जो होगी वुमेन्स राइट्स और जेंडर इक्वालिटी को लेकर 2025 में, उसके लिए चेयर अपॉइंट किया गया है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का विजन भी है 2030 का जो एम करता है फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड एज द को चेयर ऑफ द FIH एथलीट्स कमेटी अलोंग साइड PR सृजेश इन 2024। ये हैं कैमिला कैरम, FIH एथलीट्स कमेटी के को चेयर के रूप में PR सृजेश और कैमिला कैरम इन दोनों को ही अपॉइंट किया गया है। तो दोनों के नाम याद रखिएगा, बाकी तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इन अप्रैल 2024 अपन द सुपर एनुएशन ऑफ श्री मनीष देसाई।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो मनीष देसाई थे उनकी अब रिटायरमेंट किए जाने के बाद शेफाली बी शरण को इस पद पर अपॉइंट किया गया है। इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर इन मार्च 2024। इनका नाम है सीताराम मीना। नाइजर के साथ नए नए रिलेशन ही बने हैं भारत के। 2009 से दोनों कंट्रीज़ के बीच बायलेटरल रिलेशंस बनने शुरू हुए हैं। नाइजर ने नई दिल्ली में अपनी एम्बेसी 2011 में ओपन की है। नाइजर की कैपिटल है नियामे, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA के चेयरमैन अर्णव बैनर्जी बने हैं। इंडियन ऑटोमोटिव टायर सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, अपोलो, ब्रिजस्टोन, सीएट, कॉन्टिनेंटल, गुड एयर, जेके टायर, MRF, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। हु टुक ओवर एज प्रेजिडेंट ऑफ द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रेजिडेंट बनी हैं जॉयश्री दास वर्मा। इट एम्स टू फोस्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंडर द थीम कलेक्टिव विजन कोलैबोरेटिव एक्शन। ठीक है, और अभी इसी की प्रेसिडेंट बनाई गई हैं जयश्री दास वर्मा। हु हैज़ बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर 2024-25। इनका नाम है संदीप जैन। अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं तो बस इतना ही याद रखिए कि किस चीज़ में कौन अपॉइंट किए गए हैं। हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। ये बने हैं संजय नायर। 2024-25 के लिए एसोचैम नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड एसोसिएशन है भारत में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के इंस्पेक्टर जनरल बनाए गए हैं लव कुमार। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए, या फिर उससे ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 8th एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन अप्रैल 2024। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं एस्ट्रिड स्कोमेकर। ऑप्शन डी करेक्ट है। जर्मनी से बिलोंग करते हैं ये। एंटोनियो गुटरेस के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है, जो कि UN के सेक्रेटरी जनरल हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन दिल्ली। दिल्ली में फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए जो इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई है उसके हेड हैं जस्टिस नाज़मी वाज़िरी, जो भी इनको प्रोनाउंस करेंगे इसको। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है इनको। जस्टिस वाज़िरी इज़ नोन एज द ग्रीन जज बिकॉज ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय हिम टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन द सिटी। हु हैज़ एयर इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इट्स ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस। ये हैं जयराज शनमुगम, जिनको ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड बनाया गया है। एयर इंडिया का ओरिजिन टाटा सन्स में देखने को मिलता है। फाउंडेड बाय JRD टाटा इन 15 अक्टूबर 1932। एयर इंडिया स्टार अलायंस का 27th मेंबर्स बना था 11 जुलाई 2014 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें फाइनेंस कमीशन के फुल टाइम मेंबर बने मनोज पांडा। फाइनेंस कमीशन जो है इस बार कौन सा 16th फाइनेंस कमीशन गठित किया गया है? प्रेसिडेंट के द्वारा गठित किया जाता है। 31 दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट ने इसे कॉन्स्टिट्यूट किया था अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स और सूनर देयर आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अपॉइंटेड एज द UK's फर्स्ट एवर वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। इनका नाम है लिंडी कैमरॉन। भारत ने तो बहुत साल पहले लंदन में भारत की हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया था, जो एक महिला थी। 1954 में विजय लक्ष्मी पंडित को अपॉइंट किया गया था। अभी हम देखते हैं तो UK इस मामले में कितना पीछे है हमसे, कि अभी पहली बार कोई महिला हाई कमिश्नर बनाई गई है इंडिया में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द US इंडिया टैक्स फोरम। इनका नाम है तरुण बजाज। US इंडिया टैक्स फोरम वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 25 फरवरी 2020। 350 मेंबर कंपनीज इसमें शामिल हैं और इसी के अभी हेड बने हैं तरुण बजाज। हु वॉज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी हेड जगजीत पवडिया को बनाया गया है 2025 से 2030 तक के लिए 5 सालों के लिए।
इलेक्शन होता है, इसके लिए इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसे बहुत कॉम्पिटिटिव इलेक्शन के तौर पर देखा जाता है जिसमें इनको अपॉइंट किया गया, ये इलेक्ट हुई हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट इन अप्रैल 2024। CBI में जॉइंट डायरेक्टर बने अनुराग कुमार, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। CBI का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं प्रवीण सूद, और 1 अप्रैल 1963 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल बाय सुप्रीम कोर्ट, ये हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस, कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा 2004 में कलकत्ता हाई कोर्ट के परमानेंट जज के रूप में भी इन्हें अपॉइंट किया गया था। झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं 2018 में, और अभी NJAC के डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया, ये हैं संजना संघी, ये राइजिंग यंग बॉलीवुड स्टार एंड UNDP यूथ चैम्पियन हैं। इसके अलावा लेडी श्रीराम कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। स्पेस इंडिया इज़ द रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर ऑफ इसरो, 2001 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर चुका है ये, और ये जुड़े हुए हैं इससे। स्पेस इंडिया के को फाउंडर हैं शालिनी भांबा, और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शिवम गुप्ता और मितुल जैन। हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये है सौरभ गर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट है। मोस्पी के सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय इंटेल फॉर इंडिया, ये है संतोष विश्वनाथन। इंटेल के फाउंडर गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस हैं, CEO हैं पैट्रिक पी गेलसिंगर, हेडक्वार्टर है इसका US में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द DG ऑफ NSG बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, NSG के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के DG बने हैं नलिन प्रभात। करेंटली ये जम्मू कश्मीर में CRPF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं, अभी इनको NSG का DG बना दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज द चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन अप्रैल 2024, ये हैं निधि S. Jain, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनी हैं, और इसका कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, 1970 में इसको गठित किया गया था। विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया, ये कंट्री है पपुआ न्यू गिनी, कर्नल एडिसन नेपियो को अपॉइंट किया गया इस पोस्ट पर। अमिताभ चौधरी हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक, ये एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में रीअपॉइंट किए गए हैं अगले 3 साल के टर्म के लिए। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के डायरेक्टर बने हैं सुनील कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, RBI के डिप्टी गवर्नर T. Ravishankar रीअपॉइंट हुए हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI में, और 1 गवर्नर होते हैं, गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। T. Ravishankar डिप्टी गवर्नर में से एक हैं जिन्हें फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। RBI के डायरेक्शन जो हैं वो 21 मेंबर बोर्ड के द्वारा सेट किए जाते हैं। इस 21 मेंबर बोर्ड में 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर्स, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल, 10 गवर्नमेंट नॉमिनीज और 4 लोकल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्रॉम मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ NTPC लिमिटेड, ये बनी है रश्मिता झा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं ये, और इन्हें NTPC लिमिटेड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया है। NTPC इंडियन महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, 1975 में गठित की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, CEO हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट रेजिग्नेशन की बात करें तो यहाँ एक ही क्वेश्चन है बस, हु हैज़ रिजाइंड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विप्रो, विप्रो के CEO के रूप में रेजिग्नेशन अपना दे दिया है थियरी डेलापोर्ट ने, जिनके बाद श्रीनिवास पल्लिया को नया CEO और MD बनाया गया है विप्रो का। विप्रो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट IT कंपनी है, फाउंडर हैं MH हर्षम प्रेम जी, विप्रो के ओनर हैं अजीम प्रेम जी, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसे 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स में, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन अ शेडो ऑफ AI विच हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द 2024 इनॉग्रल वुमेन्स प्राइज फॉर नॉन फिक्शन, इस बुक को शॉर्ट लिस्ट किया गया है
वुमेन्स प्राइज़ फॉर नॉन फिक्शन के लिए। बुक का नाम है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई। इस बुक के ऑथर कौन है? मधुमिता मूर्किया हैं। इसमें एआई के सोसाइटल इम्पैक्ट को दिखाया गया है इस बुक में, कि इसकी पावर क्या होती है, फ्लॉज क्या है, एक्सप्लॉयटेशन किस तरह करता है, ये सारी चीज़ें। हु ऑथर्ड द बुक प्लानिंग फॉर इंडियाज़ अर्बनाइजेशन? इसके ऑथर हैं विद्याधर के पाठक। नेक्स्ट है, हु आर द टू ऑथर्स ऑफ द बुक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड रिलीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट इन अप्रैल 2024। इस बुक के ऑथर्स हैं प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। इस बुक को वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रैल में रिलीज किया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सैटेनिक वर्सेस? इस बुक को सलमान रुश्दी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया द रोड ऑफ रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा? इस बुक को लिखा गया भीमेश्वर चल्ला के द्वारा। फॉर्मर UN ऑफिशियल हैं ये, इन्होंने इस बुक को लिखा है। हु ऑथर्ड द बुक एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क एमा मॉयर? इस बुक को लिखा गया है इंद्रियुम्मा स्वामी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, बुक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा? इस बुक को लिखा गया PR श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। गोवा के गवर्नर हैं ये, इन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं रैंकिंग और रिपोर्ट्स 2024 अप्रैल में, जो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं उनको देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इन साउथ एशिया हैड द बिगेस्ट गेन्स इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज पर द रिसेंट लैंसेट स्टडी? ये कंट्री है भूटान। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी कंट्री को हुआ है तो वो साउथ एशिया में भूटान को हुआ है। पीपल वर्ल्ड वाइड आर लिविंग मोर देन 6 ईयर्स लॉन्गर ऑन एवरेज इन 2021 देन दे डिड इन 1990। इंडिया की बात भी की गई है रिपोर्ट में। इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाय नियरली 8 ईयर्स इन द पास्ट 3 डिकेड्स। साउथ एशिया में भूटान सॉ द बिगेस्ट गेन्स इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये गेन कितना, 13.6 ईयर्स का देखा गया है, फॉलोड बाय बांग्लादेश 13.3 ईयर्स, नेपाल 10.4 ईयर्स और पाकिस्तान 2.5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू UNESCAP रिपोर्ट, हाउ मच ऑफ डेली वर्किंग आवर्स इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू लॉस इन 2030 ड्यू टू हीट स्ट्रेस? हीट स्ट्रेस के कारण कितने डेली वर्किंग आवर का नुकसान होने वाला है भारत को, ये है 5.8% का। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जिसका टाइटल है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2024 बूस्टिंग अफोर्डेबल एंड लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग फॉर गवर्नमेंट्स। इंडिया 2030 तक 5.8% का लॉस होने वाला है इंडिया को हीट स्ट्रेस के कारण, डेली वर्किंग आवर्स का प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज देखने को मिलेगा। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ स्टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू पीपल्स होम्स अकॉर्डिंग टू जल जीवन मिशन? ये डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि टॉप पर रहा है जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों तक टैप वाटर पहुँचाने में। सेकेंड नंबर पर इसमें UP का महोबा डिस्ट्रिक्ट रहा है और थर्ड पर तमिलनाडु का कड्डलोर डिस्ट्रिक्ट है। अकॉर्डिंग टू WHO, हाउ मेनी पीपल हैव डाइड इन इंडिया ड्यू टू हेपेटाइटिस इन्फेक्शन इन 2022? WHO के अकॉर्डिंग 2022 में भारत में पूरे साल में लगभग 1.23 लाख लोगों की हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के कारण डेथ हुई है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की गई है WHO के द्वारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट में, जो कि समिट लिस्बन में हुई थी पुर्तगाल में, उसी में ये चीज़ें बताई गई हैं। हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करने का टारगेट WHO ने 2030 तक का रखा है। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है जो कि लीवर को अफेक्ट करती है। 5 मेन टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस के, ABCDE। बी जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड फॉर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स एज पर द हुरून यूनिकॉर्न लिस्ट, हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? भारत इस इंडेक्स में 3rd नंबर पर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ इस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें। इंडिया 3rd नंबर पर है विद 67 यूनिकॉर्न्स। 1st नंबर पर USA है 703 यूनिकॉर्न्स के साथ। 2nd पर चाइना 340 यूनिकॉर्न्स के साथ में। फिर UK 4th पर और EU 5th नंबर पर है। टोटल वैल्यू ऑफ वर्ल्ड्स यूनिकॉर्न ये $5 trillion की है। फूड डिलीवरी फ्लू भारत में मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स की बात करें तो वो ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स फोकस्ड ड्रीम 11 जो है, ये वैल्यूएबल मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं। 3rd मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है रेजर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024? भारत इसमें है 10वें नंबर पर। ये स्टडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के द्वारा की गई है, उनके रिसर्चर्स के द्वारा। इसी में ये इंडेक्स जारी किया गया है, 100 कंट्रीज़ को इसमें रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत 10वें नंबर पर है।
टॉप पर रशिया है इसमें, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना, यूएसए, नाइजीरिया एंड रोमानिया। वट इज़ द रैंक ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स? इसमें दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक है 10th, ऑप्शन बी करेक्ट है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा इस लिस्ट को रिलीज़ किया गया है। टॉप पर कौन है? वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, हाउ मच ट्री कवर हैज़ बीन लॉस्ट इन इंडिया? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अकॉर्डिंग भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर का ट्री कवर लॉस्ट हो चुका है 2000 से लेकर अब तक, और ये टोटल कितना परसेंट डिक्रीज है? 6% का। द स्टेट ऑफ असम हैज़ सफर्ड द मैक्सिमम लॉस ऑफ ट्री कवर? असम हैज़ द हाइस्ट लॉस ऑफ ट्री कवर ऑफ 324,000 हेक्टेयर्स। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट, हाउ लॉन्ग इज इंडियाज पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू डबल? तो 77 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी अभी से, ये बताया गया है UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में। फिर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एज ग्रुप के हिसाब से भारत की अभी कितनी कितनी है, ये चीज़ें भी बताई गई यहाँ पर। जैसे कि 0 से 14 साल की एज के 24% जनसंख्या है भारत में, 10 से 19 साल में 17%, 10 से 24 साल की 26%, 15 से 64 ईयर्स के हैं 68%, और 65 या फिर उससे ज़्यादा की उम्र के 7% लोग हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट पर वुमेन कितना है? 2 है, होना चाहिए आदर्श रूप से 2.1, लेकिन हमारे यहाँ कम है, 2 हो गया है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल्स के लिए 71 ईयर्स है, फीमेल्स के लिए 74 ईयर्स है। चाइल्ड मैरिज बाय एज 18 ईयर्स 23% बच्चों की हो जाती है। विच मैगजीन रिलीजेज द एनुअल लिस्ट ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बीन रिवील्ड इन अप्रैल 2024? ये मैगजीन है टाइम्स मैगजीन। टाइम मैगजीन हमेशा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट जारी करती रहती है। इसमें इंडियंस कौन से शामिल हैं? आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन इसमें जो शामिल हैं, अजय बांगा, असमा खान, देव पटेल, जिगर शाह, प्रियंवदा नटराजन और सत्य नडेला हैं। What is the projected annual death toll from breast cancer by the year 2040 according to a new Lancet commission? Lancet की report में बताया गया है कि 2040 तक हर साल breast cancer की वजह से 10 लाख लोगों की death होने वाली है, क्योंकि breast cancer का खतरा बढ़ रहा है। globally देखा जाए तो हर 12 में से एक महिला को breast cancer होता है, तो यही estimate लगाते हुए ये report में बताया गया है। Which has become the world's largest mobile operator in terms of data traffic? ये बन गया है Reliance Jio। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है चाइना को ओवरटेक करके इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रैफिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023, हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर फेसिंग अ सीरियस हंगर प्रॉब्लम? ये संख्या है 282 मिलियन की। इतने लोग हैं जो दुनिया में सीवियर हंगर प्रॉब्लम को 2023 में फेस कर रहे थे। 24 मोर पीपल आर फेसिंग सीवियर इंडल्ज प्रॉब्लम देन इन 2022, मतलब 2022 से 24 मिलियन लोग ज़्यादा बढ़ गए 2023 में। इस रिपोर्ट को फूड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। पहली बार 2016 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। यहाँ कुछ और इंडेक्स और रिपोर्ट्स देखते हैं एंड देन वी आर डन विद द इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। ये तो देख ही लिया, लैंसेट रिपोर्ट में बताया 2040 तक 1 मिलियन डेथ होगी ब्रेस्ट कैंसर के कारण। UNFPA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 77 सालों में भारत की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इंडिया उन 12 कंट्रीज़ में से शामिल है जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर 60% ऑफ मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 18 गीगावाट को और शामिल कर लिया है। टीबी केसेस में भारत में 16% डिक्लाइन देखा गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जिसे वीडेम संस्था जारी करती है, इसमें भारत की रैंक है 104 और इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इम्पोर्टर है 2019 से 23 के बीच में, सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि समिट और कॉन्फ्रेंस का। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द न्यूक्लियर एनर्जी समिट टेक प्लेस इन 2024? न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 में ब्रसेल्स बेल्जियम में देखने को मिली। इसमें फॉसिल फ्यूल के यूज़ को कम करना, एनर्जी सिक्योरिटी को एनहेंस करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर बात की गई। इन विच प्लेस विल द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट बी होस्टेड? इसको होस्ट किया गया अबू धाबी में। फिर इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन समिट, इसको भी अबू धाबी में ही ऑर्गेनाइज़ किया गया। अबू धाबी की फ्यूचर एनर्जी कंपनी है मसदार, इसके द्वारा ये सारे समिट्स होस्ट की गई। वेयर विल द परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया नई दिल्ली में। इसको चेयर किसने किया? ये थे CDS हमारे अनिल चौहान।
इन विच सिटी विल द इंडियन नेवी हाफ मैराथन बी ऑर्गेनाइज्ड। इसको ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव है इसका टू स्ट्रेंथन द नेवीज रिलेशंस विद द सिविल सोसाइटी एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द नेवी इन डिफेंस। इस तरह के इवेंट्स हर साल नेवी के द्वारा मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते रहते हैं। इन विच कंट्री विल द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम बी ऑर्गेनाइज बाई IPEF। ये सिंगापुर में IPEF के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम। IPEF मई 2022 में लॉन्च किया गया था। 14 पार्टनर्स हैं करेंटली इसमें। IPEF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम इनिशिएटिव है अंडर IPEF। इंडिया भी इसमें शामिल है। वेयर एज द होम्योपैथिक सेमिनार बी ऑर्गेनाइज, इसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनाग्रेट किया था इसको। थीम इसकी रखी गई एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशियंसी अ होम्योपैथिक सिम्पोजियम। वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है 10 अप्रैल को। इसकी थीम थी होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। ये थीम जो है इंडिया ने रखी थी अपने लिए, ठीक है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है 10 अप्रैल को। वेयर वॉज द 23rd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशूज हेल्थ। ये न्यूयॉर्क में सेशन हुआ, 23rd सेशन इसका। UN परमानेंट फोरम और ऑन इंडिजिनस इशूज इसे फॉर्म किया गया था 2000 में एज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वेयर इज़ द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बींग ऑर्गेनाइज, इसको ऑर्गेनाइज किया गया अबू धाबी में। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बींग ऑर्गेनाइज, आंसर है नेदरलैंड्स। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में अगर देखा जाए भारत 4th नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 समिट 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर G7 समिट 2024 इटली में होगा, जिसमें भारत को भी इन्वाइट किया गया है। लास्ट टाइम भी भारत इन्वाइटेड था और कई सारे इन्वाइटेड होते हैं कंट्रीज़, ठीक है। इटली में होने वाला है तो इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी जो हैं उन्होंने PM मोदी को इन्वाइट किया है इसके लिए। 50th एडिशन होने वाला है ये G7 समिट का। इसमें रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडिया, केन्या, साउथ अफ्रीका, ट्यूनिशिया, यूक्रेन से भी और अफ्रीकन यूनियन से भी। अब नेक्स्ट आते हैं MOU और एग्रीमेंट्स पर। कुछ ही क्वेश्चन हैं इस सेक्शन के, तो देख लेते हैं। पहला है विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विद स्टारबर्स्ट टू सपोर्ट एरोस्पेस, न्यू स्पेस एंड डिफेंस स्टार्टअप्स इन इंडिया। ये है IIM मुंबई। स्टारबर्स्ट के साथ में इसने ये पार्टनरशिप की है। हाउ मच इज़ द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द HAL विद CSL फॉर द इंडियन नेवीज NGMV प्रोजेक्ट वर्थ। ये प्रोजेक्ट जो है 1173 करोड़ रुपए का है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है दोनों के बीच में। इसके ज़रिए इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया जाएगा। कुछ और कॉन्ट्रैक्ट हैं जो नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। नेवी चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार और अभी ये चेंज हो गए हैं। नए वाले कौन हैं ये बताइएगा कमेंट में। विद विच कंपनी हैज़ IICA पार्टनर्ड टू लॉन्च द HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स IICA सर्टिफाइड एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम। IICA ने HP इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की है बिजनेस, ह्यूमन राइट्स, CSR इन सब को टारगेट करते हुए। एम है इसका टू ड्राइव पॉजिटिव चेंज एंड इनोवेशन इन ESG। विच राउंड ऑफ टॉक हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड पेरू। इंडिया और पेरू के बीच 7th राउंड ऑफ टॉक शुरू की गई थी नई दिल्ली में। इन टॉक्स की शुरुआत हुई थी 2017 में। ट्रेड अग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन के लिए टॉक्स चल रही हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। विद होम हैज़ काबिल साइंड एन एग्रीमेंट फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर मिनरल्स। तो काबिल जो है इसने CSIR IMMT के साथ में ये MOU साइन किया है। विद होम हैज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइन एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। BEL ने IIT मंडी के साथ में ये MOU साइन किया है। BEL इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक और स्पेस करंट अफेयर्स पर। तो यहाँ क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पायनियर्ड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द फर्स्ट इंडिया मेड स्वाइन फीवर वैक्सीन। ये है IIT गुवाहाटी, जिसने प्रोडक्शन के लिए बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। किसके लिए? पहली इंडिया मेड स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्लोबल लैब नेटवर्क लॉन्च्ड बाय द WHO टू मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग कोरोना वायरसेस। ग्लोबल लैब नेटवर्क जिसे लॉन्च किया है WHO ने, इसका नाम है कोविनेट। ऑप्शन ए करेक्ट है। COVID-19 नेटवर्क है टू स्टडी अदर कोरोना वायरसेस WHO के लिए। ये ग्लोबल सर्विलांस
और रिस्क असेसमेंट को प्रोवाइड करता है। 21 कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही है उनमें 36 लैब्स क्रिएट की जाएंगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच एआई कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कन्वर्जेशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एआई कंपनी का नाम है ह्यूम, ऑप्शन डी करेक्ट है। ईवीआई इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस एआई डेवलप्ड बाय ह्यूम। इट इज़ पावर्ड बाय ह्यूम्स प्रोप्राइटरी एम्पैथेटिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये ट्यून रिदम टिम्बर ऑफ स्पीच इन सब के साथ प्रोसेस करती है और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करता है। व्हाट इज़ द रिकॉर्डेड पावर ऑफ द मेग्यूरेल लेज़र इन रोमानिया मेकिंग इट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र। ये जो है 10 पीटर वाट्स का है, इसकी पावर जो मेग्यूरेल लेज़र है रोमानिया में, इसकी पावर है 10 पीटर वाट्स की और इसके साथ ही ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र बन जाता है। Which company recently launched NIIA.AI, a generative AI-driven platform for the apparel and fashion industry? ये है नवन AI, जिसके द्वारा इस AI-driven platform को launch किया गया है, जो कि fashion industry के लिए basically बनाया गया है। ये नए नए creative experiment कर सकता है ये जो AI platform है। Proba-3 mission, which will be launched abroad, ISRO's PSLV, is associated with which space agency? मतलब Proba-3 mission है, इसको ISRO के PSLV से लॉन्च किया जाएगा और ये है कहाँ का? ESA, European Space Agency का है ये। Proba की फुल फॉर्म है Project for Onboard Autonomy। सन की स्टडी के लिए इसको भेजा जाएगा। ESA का मिशन है, European Space Agency का। ISRO के द्वारा इसे PSLV XL रॉकेट से भेजा जाएगा। Dragonfly rotorcraft mission recently seen in news is associated with which space organization? ये नासा से जुड़ा हुआ है। सैटर्न का जो ऑर्गेनिक रिच मून है टाइटन, इसके लिए इसे भेजा गया है। इट इज़ डुअल क्वाड कॉप्टर डिजाइंड टू फ्लाई अक्रॉस द सर्फेस ऑफ टाइटन। सैटर्न का लार्जेस्ट मून है टाइटन, वहाँ के लिए भेजा गया है। टाइटन तक ये 2034 तक पहुँचेगा। दिस मिशन विल बी नासाज फर्स्ट टू एम्प्लॉय अ फ्लाइंग व्हीकल फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑन अदर प्लेनेटरी बॉडीज। लामा 3 एंड रियल टाइम इमेज जनरेटर हैव बीन अनवील्ड बाय, इन्हें मेटा के द्वारा अनवील किया गया है। लामा 3 AI चैटबॉट की तरह है, कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट सच एज पोएम्स कोड स्क्रिप्ट्स एंड पीसेज ऑफ म्यूजिक। इसके अलावा लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए भी लामा 3 का यूज़ कर सकते हैं। लामा 3 के अलावा रियल टाइम इमेज जनरेटर को भी मेटा ने लॉन्च किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट्स लेटेस्ट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल? इसका नाम है Phi-3 मिनी। AI मॉडल्स की एक फैमिली है दैट आर द मोस्ट केपेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स अवेलेबल। ये टेक्स्ट डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आर लाइटर मोर एफिशिएंट देन अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिक्वायरिंग लेस कंप्यूटेशनल पावर। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस करंट अफेयर की। अप्रैल में जो हमने देखे हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अपकमिंग मेगा एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टुगेदर 12 ग्लोबल एयर फोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1st। 12 कंट्रीज़ की एयर फोर्सेज की एक्सरसाइज है ये और इसका नाम क्या है? गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया। पहली बार गगन शक्ति एक्सरसाइज 2018 में हुई थी और ये हर 5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डिड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिलीवर 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स? इसे गुयाना को डिलीवर किया है HAL ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। हेडक्वार्टर बेंगलोर में 1940 में इस्टेब्लिश हुई थी। चेयरमैन है CB अनंत कृष्णन और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिए हैं इसने गुयाना को। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स फॉर द 2023-24 फाइनेंशियल ईयर? इंडिया के एक्सपोर्ट्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2023-24 में रहे हैं 21,083 करोड़ रुपीज़। पिछले फिस्कल ईयर से 32% ज़्यादा था ये एक्सपोर्ट। What is the name of the Indian Coast Guard ship that made a port call in Vietnam as part of its overseas deployment to ASEAN countries? तो ICG Indian Coast Guard की ship का नाम है ICG समुद्र पहरेदार। इसे वियतनाम में भेजा गया था, जो भी overseas deployment किए जाते हैं ना ASEAN countries में, जो भारत करता है उसमें भेजा गया था इसको। ठीक है, Which division of the Indian Army carried out the extensive air defense exercise testing new and integrated anti-aircraft weapon systems? तो जो हमारी भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, उसकी डिवीजन है एरावत गगन रक्षक। इस डिवीजन के द्वारा एयर डिफेंस एक्सरसाइज की गई थी। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। आर्मी स्टाफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे।
वेयर वॉज द परमवीर चक्र गार्डन इनोग्रेटेड, इसको चेन्नई में इनोग्रेट किया गया है तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि के द्वारा। नेक्स्ट है विच बैलिस्टिक मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाई DRDO रिसेंटली, ये है अग्नि प्राइम। ओडिशा कोस्ट से इसे टेस्ट फायर किया गया है, दो स्टेज की सरफेस टू सरफेस कैनिस्टर लॉन्च्ड रोड मोबाइल एंड सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO ने डेवलप किया है। अग्नि सीरीज की सिक्स्थ मिसाइल है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका मैन्युफैक्चरर है और 1000 से 2000 किलोमीटर की इसकी ऑपरेशनल रेंज है। विच INS वॉज अवार्डेड द ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशन, यह INS शारदा, इसे अवार्ड दिया गया है ये वाला अभी एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वॉज द सागर कवच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज रिसेंटली, इसे लक्षद्वीप में ऑर्गेनाइज किया गया। ऑल मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फ्रॉम विच रेजिमेंट इज द इंडियन आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेटिंग इन द 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दस्तलिक, ये है द गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट। दस्तलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है और इसमें इंडियन आर्मी कंटिजेंट की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। उज्बेकिस्तान में ही ये इस बार एक्सरसाइज हुई है। वेयर वॉज द फर्स्ट स्टील कटिंग सेरेमनी ऑफ फ्लीट सपोर्ट शिप्स फॉर द इंडियन नेवी हेल्ड, ये सेरेमनी विशाखापट्टनम में देखने को मिली, पहली स्टील कटिंग ऑफ फ्लीट सपोर्ट शिप्स फॉर द इंडियन नेवी। नेक्स्ट है DRDO एंड इंडियन आर्मी हैव रिसेंटली कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ MPA-TGM वेपन सिस्टम, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MPA-TGM, इसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। DRDO और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इसका ट्रायल। नेक्स्ट है टू विच कंट्री डिड जनरल मनोज पांडे डिपार्ट ऑन अ विजिट फॉर बायलेटरल डिफेंस टॉक्स एंड टू विटनेस अ मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये गए थे उज्बेकिस्तान में बायलेटरल टॉक्स के लिए ताकि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है और सोवियत रिपब्लिक में शामिल थी पहले। ताशकंद कैपिटल है, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक, प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव और प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरिपोव। रिसेंटली इंडिया इज सप्लाइंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री, तो इंडिया फिलीपींस को ये मिसाइल्स जो है दे रहा है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के अगले चीफ कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। ये मैंने पूछा था क्वेश्चन आगे आपसे, तो आंसर आपको यहीं मिल गया है। नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद स्टारबर्ड्स एरोस्पेस ऑफ विच कंट्री फॉर डिफेंस इनोवेशन, ये भी हमने MOU में देखा है क्वेश्चन। स्टारबर्ड्स जो है ये फ्रांस की है, ठीक है, और इसके साथ में ही भारत ने MOU साइन किया है टू प्रमोट इनोवेशन इन द एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर। विच इज़ द कंट्री विद द मोस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स इन 2023, ये कंट्री है अमेरिका। सबसे ज़्यादा मिलिट्री खर्चे किसने किए हैं, अमेरिका ने। सेकेंड पर चाइना, थर्ड पर रशिया, फोर्थ पर इंडिया है और फिफ्थ नंबर पर है सऊदी अरबिया। ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी कंडक्टेड ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में और इसी ने ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। तीन कमांड्स में डिवाइड है हमारी इंडियन नेवी, वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ईस्टर्न का विशाखापट्टनम में और सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है कोची में। विच कमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कैरिड आउट द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द न्यू वेरियंट ऑफ अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ऑन April 23, 2024, ये इंडियन आर्म फोर्स की कमांड है स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, जिसके द्वारा न्यू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। 1500 किलोमीटर तक ये पहुंचने में केपेबल है। वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द क्रिस्टल मेज 2 मिशन मिसाइल, इसको अंडमान और निकोबार आइलैंड में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इस मिसाइल को रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, SU-30MKI फाइटर जेट के जरिए इसे टेस्ट को कैरी आउट किया गया था। इसराइल से बिलोंग करती है। मिसाइल कैन डिस्ट्रॉय एनिमी टारगेट्स एट अ रेंज ऑफ 200 किलोमीटर, एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। अब बस लास्ट 5-6 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, तो इसमें देखें हम ऐसे लोग जिनका निधन हुआ है रिसेंटली। विच स्टेट इन इंडिया मॉन्ड द रिसेंट डिमाइस ऑफ सिंगर वन लाल लुपोई इन March 2024, ये मिज़ोरम से बिलोंग करती थी और अभी इन्हीं के लिए शोक व्यक्त किया है स्टेट ने, मिज़ोरम ने। ये सिंगर थी इंग्लिश और मिज़ो की, ठीक है।
इन विच फिल्म इंडस्ट्री वॉज एक्टर विशेश्वरा राव प्राइमरीली नोन फॉर हिज रोल्स हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो ये तमिल एक्टर हैं, तमिल एक्टर थे जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है. नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट पीटर हिग्स नोन फॉर प्रिडिक्टिंग द हिग्स बोसोन और गॉड पार्टिकल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94. गॉड पार्टिकल क्या होते हैं? हिग्स बोसोन होते हैं. वही है चीज़ क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है. 1964 में इनके द्वारा थ्योरी दी गई थी जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सब एटमिक पार्टिकल्स जो हैं मास कैसे अपना गेन करते हैं. ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की थी और उसी सब एटमिक पार्टिकल को इन्होंने हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल का नाम दिया था. ठीक है, इनकी रिसेंटली हो गई डेथ और इनकी इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज़ भी इनको मिल चुका है. वट मूवमेंट इज़ मुरारी लाल हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 मोस्ट एसोसिएटेड विद? तो ये चिपको मूवमेंट से संबंधित थे, इनकी अभी डेथ हो गई है. चिपको मूवमेंट को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था, द शोली ग्राम स्वराज्य मंडल, उसके प्रेसिडेंट थे ये. सुब्रमण्य धरेश्वर पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस सिंगर ऑफ विच फोक डांस? तो ये यक्षगान जो है, उस जो फोक डांस है एक तरह का, उसके सिंगर हैं ये. भागवत श्रेष्ठ के नाम से फेमस थे फॉर हिज वंडरफुल वॉइस. अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है. यक्षगान के लिए फेमस थे, कर्नाटका में ये यक्षगान, वहाँ का फोक डांस कर्नाटका का है और केरल का जो थैयम आर्ट फॉर्म है उससे भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है. लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर डेरिक अंडरवुड पास्ड अवे, ही बिलोंग्ड टू विच कंट्री? ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड के हाईएस्ट विकेट टेकर और लेफ्ट आर्म स्पिनर रह चुके हैं. लक्ष्मण तीर्थ रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. ये मिसलेनियस में इसको आप ले सकते हैं, किसी कैटेगरी मुझे इसकी समझ नहीं आई किस में रखना चाहिए, तो मैंने लास्ट में रख दिया था इसको. लक्ष्मण तीर्थ रिवर ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है और अभी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि सीवियर ड्रॉट और इंटेंस हीट ये देखने को मिली है जिसके कारण ये लक्ष्मण तीर्थ रिवर सूख रही है. कर्नाटका में कावेरी रिवर की टेरिटरी ट्रिब्यूटरी है. ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स से. इट फ्लोज ईस्ट वर्ड बिफोर मर्जिंग विद द कावेरी रिवर एट कृष्ण राजा सागर लेक. इसी रिवर पर लक्ष्मण तीर्थ फॉल्स या फिर इरुपू फॉल्स भी इसको कहते हैं, ये भी यहीं पर देखने को मिलता है नियर केरलाज बॉर्डर. और इसी के साथ फाइनली हमारी ये अप्रैल मंथली करंट अफेयर की वीडियो ख़त्म होती है. रिविजन अच्छे से करते रहिए. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.